الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد. आवाज आ रही है? आवाज पहुंच रही है? तो थोड़ा आ जाओ, करीब आ जाओ। इसलिए कहता हूँ, कब से बोलता हूँ, किसको कहता हूँ, आपको कहता हूँ, करीब आ जाओ, जगह खाली है, आ जाओ। अरे भाई यहाँ करीब आओ, जगह खाली है। पता नहीं रोज समझे किसको कहते हैं, सबको कह रहे हैं, आ जाओ। सामान हटा दो, वहां से एक लगा के बात मत सुनो। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم پیارے بھائیو، माशाल्लाह तीन दिन इज्तिमा में आप लोग आए हैं और आपने सारी मजलिसों में बुजुर्गों की बातें सुनी, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इज्तिमा एक होती है, इज्तिमा में एक फ़िदा होती है, क्योंकि हमारा सिर्फ कोई प्रोग्राम नहीं होता बल्कि हमारा इज्तिमा होता है। इज्तिमा के पहले की मेहनत है, इज्तिमा के बाद की मेहनत है, और क़ुरबानी ज़िंदा करने के लिए इज्तिमा बहाना है। इज्तिमा की बरकत से कुर्बानी ज़िंदा होती है। बहुत बड़ी तादाद अल्लाह के रास्ते में अपने जान और माल को निकलती है, बहुत बड़ी तादाद। बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो मस्जिदों में आए थे इज्तिमा का, में सिर्फ तीन दिन अल्लाह के दीन की बात को सुनने के लिए आए थे, चलो इज्तिमा में जाएंगे। बुज़ुर्गों की बातें हमने सुनी, अल्लाह वालों की बातें सुनी, हमारे दिलों पर लगी, एक बहुत बड़ी तादाद नकद तैयार हो गई अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। चार महीनों में, चिल्लों में, वो मजमा बड़ा खुश नसीब मजमा है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल किया है। बहुत सारे चिल्ले के साथी थे, अल्लाह के रास्ते में आए थे, चिल्ले का बिस्तर लेकर आए थे, चिल्ले की वसूली ली थी, चिल्ले का इरादा था, अल्लाह वालों की बात सुनी, इज्तिमा के माहौल में रहे, ईमानी मुजाकरे सुने, ईमानी बातें बोली सुनी, तो चिल्ले के चार महीने कर दिए। बहुत से उलमाए किराम को देखा हमने उलमा की मजलिस में, सिर्फ उलमा की मजलिस में शिरकत के लिए आए थे, खड़े होकर साल लगा दिया, साल लिखा दिया, बेशर हम 15 शाबान से रमजान के पहले मल्ला के रास्ते में एक साल जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बड़ी रहमत है, रब्बानी लहर है। अभी हमारे पूरे गुजरात में भी फिलहाल इज्तिमा, एक इज्तिमा पूरा होता दूसरा शुरू होता है, और एक बहुत बड़ी तादाद अल्लाह के रास्ते में जा रही है। इन बहुत बड़ी तादाद में ये मजमा भी है, बड़ा खुश नसीब मजमा है माशाल्लाह जो बैठा हुआ है, जो अपने जान और माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके जाने को बेहद कबूल फरमाए, तो आमीन। आपको देखना भी इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम को अल्लाह के रास्ते में रवाना फरमाते थे तो आप मुशायात करते थे, आप चलते थे साथ में। आप एक सहाबी को भेजा अल्लाह के रास्ते में, वो सहाबी ऊंटनी पर है और आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ऊंटनी मौजूद है, तब भी आप पैदल चल रहे हैं, वो अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के बहुत बड़े सहाबी हैं, एक सहाबी को अल्लाह के रास्ते में भेज रहे हैं और सिद्दीक अकबर ऊंटनी की नकील पकड़ के चल रहे हैं, तो ऊंटनी पर बैठने वाले सहाबी ने कहा कि आप ऊपर बैठ जाए, आप बड़े मकाम पर गए, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। फरमाया नहीं, आपको नीचे उतरना नहीं, मुझे नहीं बैठना, मुझे बैठना नहीं, आपको नीचे उतरना नहीं, मैं चाहता हूँ चंद कदम मेरे भी अल्लाह के रास्ते में चले। अल्लाह के रास्ते में चलने पर अजर है, अल्लाह के रास्ते की गर्द और गुबार जन्नत की खुशबू है।
और अल्लाह के रास्ते में सुबह निकल जाना और अल्लाह के रास्ते में शाम निकल जाना दुनिया माफिया से बेहतर है। बड़ी कुर्बानी है अल्लाह के रास्ते में निकलने के, बड़े फजाइल है। हदीस पाक में है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है अल्लाह तबारक व तआला उसके जिम्मेदार बन जाते हैं। मन खरज फी सबीलिल्लाह फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, कि जो भी अल्लाह के रास्ते में निकलेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके जिम्मेदार बनेंगे। और एक रिवायत में है युखलिफुहु फी अहलिही व मालिही, अल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार के और अल्लाह तआला उसके घर वालों के जिम्मेदार बन जाते हैं। इंसान को घबराने की जरूरत नहीं है, जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो हमारे कारोबार की जिम्मेदारी भी अल्लाह के जिम्मे है और हमारे अहलो आयाल के बाल बच्चों की जिम्मेदारी भी अल्लाह के रास्ते में है, वो अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में जब अल्लाह के रास्ते में निकलने की बात फरमाते सहाबा किराम मचलते थे, तड़पते थे अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, कि मदीना मुनव्वरा की वो फिजा बनी हुई थी कि हर एक इंसान को अल्लाह के रास्ते में जाने का शौक था, बल्कि सहाबा के छोटे छोटे बच्चे पंजों के बल खड़े होते थे अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, हालांकि उनको यकीन था वहां जाकर शहीद होना है, गर्दन को कटाना है। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि मुझे बदर में पेश किया गया, बदर में गज़वे बदर के मौके पर मुझे पेश किया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे छोटा समझ के मुझे ना कह दिया, बस गरनी कि मैं छोटा हूँ, मेरी उम्र छोटी है, कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि मुझे अल्लाह के रास्ते में जाने का मौका नहीं मिला, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, यहाँ तक कि मैं एक साल तक इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे उहद में मौका दे दिया। बड़ों को अल्लाह के रास्ते में जाने के जज्बे थे, तो बड़ों को देकर छोटों को भी अल्लाह के रास्ते में जाने के जज्बे थे, कुश्ती करते आपस में कुश्ती कि अल्लाह करे मैं उसको कुश्ती में पिछाड़ दूंगा, आप मुझे भेज दो, मैं तुम छोटे हो तुम जा नहीं सकते अल्लाह के नबी, कि आपने समूरा को तैयार किया कि हाँ कि वो बड़ा है कि मेरी और उनके दरमियान कुश्ती कराओ, अगर मैं हार जाऊँ तो मुझे मत ले जाना, अगर मैं कुश्ती में समूरा को पिछाड़ दूँ तो मैं जा सकता हूँ। ये अल्लाह के रास्ते में जाने के सहाबा के बच्चों के जज्बे थे। ये कितना खुश नसीब मजमा है जवानों का माशाल्लाह, कि आप लोग अपनी जवानी की ख्वाहिशात के बावजूद अपनी मनमानी को छोड़कर अल्लाह को राजी करने के लिए आप इतनी बड़ी कुर्बानी पर जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके जाने को बेहद कबूल करे। समय इब्राहिम से फरमाते दावत बरकत हूँ कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो अल्लाह के रास्ते में निकलने की बरकत से दिलों के अंधेरे कटते हैं, दिलों के अंधेरे दूर होते हैं। जब दिलों का अंधेरा कटेगा और दिलों का अंधेरा दूर होगा तो दिल में ईमान का नूर आएगा और ईमान का नूर आदमी को अमल पर खड़ा करेगा और अल्लाह की नाफरमानी से बचाएगा, अल्लाह के रास्ते के ज़माने में भी और मकाम पर भी। इससे साथियों को जाने की खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में जाना है, बड़ी खुशी हो, ऐसा नहीं मेरा तो इरादा नहीं था लेकिन मेरे पीछे ज़बरदस्ती शैतान ऐसे के ख्याल डालता है। हज़रत मौलाना इलियास साहब अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे शैतान के तीन हमले होते हैं। शैतान का सबसे पहला हमला ये होता है कि शैतान हिजरत में रुकावट करता है कि आपको अल्लाह के रास्ते में नहीं जाना, ये तो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान रुकावट डालता है। लेकिन चूंकि हम तो पैदाइश मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के बाद जब भी अल्लाह के रास्ते में जाने की बारी आती है, घर छोड़ने की बारी आती है, तो हिजरत के मौके पर शैतान बड़े बड़े नुकसान डालता है, आप जाओगे तो ये होगा ये होगा। अश्शैतान यईदुकुम अल-फ़क्र, शैतान तुमको वादा करता है तुम जाओगे तो फ़कीर बन जाओगे, कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा, ऐसे शयातीन ख्यालात दिल में डालता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह पाक हमसे वादा है कि सबसे पहले अल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में निकलने की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, ये अल्लाह का वादा है। नंबर दो, अल्लाह के रास्ते में निकलने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला रोजी का इंतजाम करेगा। मौलाना अबदुल्लाह साहब बलियाई फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, जब बंदा सही उसूलों के साथ वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला उसके माश का इंतजाम करते हैं, उसकी दुनिया बनाते हैं, आखिरत तो बनेगी दुनिया बनाते हैं। अपने वक्त को सही अल्लाह के रास्ते में लगाता है तो
یہ ہمارا پورا کا پورا مجمع اللہ کے راستے میں جانے والوں کا مجمع ہے. بڑے خوبصورت چہرے آپ کے جو اللہ کے راستے میں جائیں گے, آپ کے چہروں پر آپ کے بدن پر گرد و غبار اڑے گی, اور یہ گرد و غبار جہنم کی آگ کو حرام کر لیتا ہے. ایک جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہی تھی, اس جماعت کے ذمہ دار حضرت مالک تھے, امام مالک رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھا کہ جابر بن عبداللہ ہمارے ساتھ جماعت میں ہیں, ان کے پاس اونٹنی ہے لیکن اونٹنی پر نہیں بیٹھ رہے بلکہ پیدل چل رہے. تو امیر جماعت نے کہا جابر آپ کے پاس اللہ نے سواری دی, آپ سواری پر بیٹھ جائیں. تو فرمایا میں اپنی سواری کو آرام دے رہا ہوں اور مجھے تمہاری سواری کی ضرورت نہیں ہے. تو جماعت کے امیر سمجھ گئے جابر بن عبداللہ کا منشا سمجھ گئے. جب بہت آگے چلے گئے, بہت بڑا مجمع اللہ کے راستے میں تھا, بہت آگے چلے گئے, تو وہاں سے کہا جابر بن عبداللہ کو کہ جابر جب اللہ نے تم کو سواری دی ہے تو آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ سمجھ گئے کہ ہمارے جماعت کے ذمہ دار مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ بات پوری جماعت کو سنانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے سواری دی ہے, میں اپنی سواری کو آرام دیتا ہوں, مجھے تمہاری سواری کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان پر سنا ہے جس آدمی کے قدم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور اللہ کے راستے میں چلنے کے بعد اس پر گرد و غبار لگتا ہے, اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر لیتا ہے. یہ حدیث پاک سنائی. علماء نے لکھا ہے تمام اپنے اونٹنی پر بیٹھنے والے, کھچروں پر سوار ہونے والے تمام کے تمام صحابہ تابعین اپنے کھچروں سے نیچے اتر گئے اور بہت لمبے میلوں تک پوری جماعت اپنی سواریوں کے باوجود پیدل چلی. ایک پیدل چلنے کے فضائل سامنے آئے کہ پیدل چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر لیتا ہے, تو سواری ہونے کے باوجود پیدل چلنا آسان ہو گیا. اللہ کے راستے نکلنے کے زمانے میں فضائل ہیں, لوگوں کو شوق دلانا اللہ کے راستے میں جا رہے کتنی بڑی بات ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں, میں ان پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو کیا مجھ کو اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا؟ پوچھا کتنے تمہارے پاس؟ ما عندک؟ کہ عندی ستت و آلاف یا رسول اللہ, میرے پاس 6,000 سونے کے سکے ہیں, دینار ہے. میرے نبی نے فرمایا 6,000 دینار کیا ہوتے ہیں, آپ 6,000 دینار سے بھی زیادہ دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر خالی آرام کرتا ہے, سوتا ہے, اس آرام کے کرنے پر اور سونے پر اللہ جو اس کو اجر دے گا یہ تیرے 6,000 دینار سے زیادہ خرچ کرنے پر بھی نہیں ملے گا. تو اللہ کے راستے میں سونے پر جب انعام ملے گا تو اللہ کے راستے میں تعلیم کے حلقوں میں, تشکیلی گشت میں, تعلیمی گشت میں, ایمانی مذاکرے بولنے میں, ایمانی مذاکرے سننے میں اللہ پاک کیا دے گا؟ اللہ کے راستے کے نکلنے کے فضائل. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بشارت دیتے تھے لوگوں اللہ کے راستے میں نکلو, اپنے رب کی طرف دوڑو, اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ کلام اللہ کی آیت کو سن کر صحابہ کا مجمع اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اور میرے نبی نے فرمایا میرے دل کی تو تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤ, ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤ, ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤ, ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, اور میری تمنا میں پھر شہید کیا جاؤ. یہ اللہ کے نبی کی آخری تمنا تھی کہ اللہ کے راستے میں چلتے چلتے میں شہید ہو جاؤ. حضرت علی الیاس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں امت سے صرف دو باتیں چاہتا ہوں, میں تو ایک بات یہ چاہتا ہوں ہماری جماعتیں قریہ در قریہ, اقلیم در اقلیم, گاؤں در گاؤں ہماری جماعتیں اللہ کے کلمے کو لے کر, اپنی اصلاح کو کرتے ہوئے اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں دیوانہ وار گم رہی ہو اور اللہ کے کلمے کو پھیلا رہی ہو. ایک بات تو میں یہ چاہتا ہوں. ہمیں دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کی ہو. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنتا ہے تو آدمی کو تکلیفیں آسان ہو جاتی ہے. حضرت علی الیاس علیہ الرحمۃ کے زمانے میں کام نیا نیا کام تھا, شروع شروع کا زمانہ تھا. ایک جماعت نظام الدین مرکز ایک جماعت کو بنا کے بھیجا, ابھی جماعت کا تعارف نہیں تھا اور لوگوں نے جماعت کو مارا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کا پیٹ ٹوٹا اور پوری زخمی جماعت سہارنپور مرکز پر آئی.
قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے جن کا ابھی قریب میں انتقال ہوا. وہ فرماتے ہم سہارنپور میں پڑھتے تھے تو مدرسے کے طلبہ دیکھنے کے لیے گئے, وہ اجلاس صاحب جماعت کے سامنے کیا بات فرماتے ہیں. جب اللہ صاحب نے آ کر جماعت کو دیکھا تو تسلی کی بات نہیں کہی, تربیت کی بات کری. فرما میرے دل کی تمنا تھی تم میں کوئی شہید ہو جاتا, کوئی شہید ہو جاتا. اگر کوئی شہید ہو جاتا تو اللہ اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کو پھیلا دیتے. یوں نہیں کہا تمہارا ہاتھ ٹوٹا اللہ تم کو یہ دے گا, نہیں, بلکہ تربیت کی بات کی, تسلی کی بات نہیں کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کی انگلی زخمی ہو گئی, آپ کی انگلی, تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے, انت فی سبیل اللہ کی لقیتی, تو اللہ کے راستے میں زخمی ہوئی ہے, تیرے زخمی ہونے پر بھی اجر ہے. اس حدیث پاک میں ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر بخار آتا ہے اور بخار پر انسان اللہ سے اجر کی امید کرتا ہے, اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں. جب اللہ کے راستے کے بخار پر یہ ملے گا تو اللہ کے راستے میں جانے کے بعد ہدایات کی باتوں پر عمل کرنے پر کیا ملے گا, کیا ملے گا؟ اور فرمایا جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر سر میں درد ہوتا ہے, من سجی کا رس ہو فی سبید اللہ کی فخت صبا غفر لہو ما تقدم من ذنبہ وما تاخر, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے جب بندہ سر کے درد کرنے پر اللہ سے اجر کی امید کرتا ہے. تو سر کے درد کرنے پر یہ فضائل ہے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت اللہ صاحب نے جماعت اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ روانہ فرمائی اور جماعت کو لے کر رائے پور پہنچے. جماعت رائے پور پہنچی, شاہ عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ کی خانقاہ بڑی زوروں پر تھی, بہت بڑی خانقاہ, ہزاروں کا مجمع وہاں اللہ کے ذکر کی ضربے لگاتا تھا, بلکہ وہاں آم کے درخت ہیں, وہ آم کے درختوں کے پتوں میں سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. اور رائے پور کی خانقاہ کے آگے نہر ہے, نہر, جب دوبین دوبی جب کپڑا دھوتے تھے اور کپڑا زمین پر ڈالتے تھے تو اللہ اللہ کی ضربے لگاتے تھے, ایسا ذکر کی فضا تھی رائے پور میں. مرا منظور نعمانی صاحب جماعت کو لے کر گئے, جماعت کو مسجد میں ٹھہرایا اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. اور تبلیغ والوں کی بہت سی شکایتیں پہنچی تھی حضرت مولانا رائے پوری کے پاس کہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اچانک دیکھا مولانا منظور نعمانی آئے, فرما مولوی منظور تم آئے, نہ خط و کتابت ہے, نہ پہلے سے کوئی اطلاع ہے, کہ حضرت میں تو اللہ کے راستے میں جماعت میں آیا ہوں. کہ جماعت کہاں ہے؟ کہ جماعت مسجد میں ہے, میں اکیلے آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں. مولانا عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ نے ساری شکایتیں مولوی منظور کے سامنے رکھی. تمہارا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں میں تو خاموش رہا. پھر فرمایا تم جماعت میں آئے ہو, تمہارے سامنے روانگی کی بات ہوئی, کیا ہوئی, کس نے کی؟ کہ مولوی الیاس صاحب نے کی. کہ کیا باتیں فرمائی؟ تو 40 باتیں نوٹ کی تھی مولانا منظور نعمانی صاحب نے, حضرت مولوی الیاس صاحب کی روانگی کی باتیں, ہدایات. تو مجھے سناؤ, حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں مجھے تو موقع مل گیا حضرت مولوی الیاس صاحب کی باتیں سنانے کا, تو میں نمبر وار باتیں سناتا رہا کہ اللہ کے راستے میں جا کر یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جب میں 13ویں بات پر پہنچا تو کہا مولوی منظور خاموش ہو جا, اگر اللہ کے راستے میں جانے والا مجمع اگر ان 13 باتوں پر بھی عمل کرے گا نا, موت اس کی بعد میں آئے گی, پہلے اللہ پاک اس کو ولایت سے نوازے گا, اللہ اس کو ولایت کا لباس پہنائے گا. یہ کہنے والے بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ, تبلیغ کی تائید کرتے تھے. حضرت ابراہیم صاحب دعوت برکات نے کل فرمایا ہماری جماعت پہلا میرا چلہ 1959 میں لگا, پہلا چلہ مجھے دعا منگوائی حضرت نے, وہ پہلا چلا 1959, ابھی تک دعوت کے کام میں برابر ہے. اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرماوے, صحت کاملہ, شفا کاملہ عطا فرماوے. پوری دنیا کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ حضرت مولانا کی ذات. ہماری جماعت پہنچی مظفر, ہماری جماعت پہنچی کام کرتے میرٹھ اور مظفر کے علاقے میں, جماعت کا تعلق, لوگ جماعت کو جانتے بھی نہیں تھے, جماعت کیا چیز ہے. مولانا فرماتے ہم کرتے گشت کرتے تو لوگ ہم کو چندے کے پیسے دے دیتے کہ چندہ لینے آئے, لوگوں کو گشت کا بھی تعارف نہیں تھا. ہماری جماعت گشت کرتی تھی تو لوگ آتے بھائی آپ مانگنے آئے ہو, یوں کہ ایک روپیہ دے بھی, دو روپیہ بھائی, ہم تو گشت کی, گشت کیا چیز ہے, جماعت کا تعارف نہیں تھا.
हमारी जमात मौलाना अब्दुल गनी साहब फूलपुर रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस से बहुत बड़े अकाबी गुजरे हैं। बुजुर्गों की सोहबत से आदमी बहुत आगे निकलता है, क्योंकि हमारी जमात भी वहाँ पहुँची। जो हजरत की मजलिस में जाएंगे असर के बाद बैठेंगे, बहुत बड़ा मजमा हजरत, और हजरत बहुत कमज़ोर थे गाड़ी में, वो आते ना हाथ हाथ गाड़ी, हजरत को कुर्सी पर ला के बिठाते थे, बिल्कुल दुबले पतले थे। तो हमारी जमात को देख गए और पूरे मजमे के सामने फरमाया, ये आने वाली जमात का साथ देना। कितना जुमला फरमाते मौना, फरमाते हमको तो इतना साथ मिला अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमारी जमात से अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया सिर्फ हजरत के एक जुमले की बरकत से। और पूरे इलाके में मस्जिदों में जमातें ठहरना शुरू हो गई, लोग साथ देने लगे, नुसरतें शुरू हो गई, मस्जिदों में जमात का क़याम शुरू हो गया। इसलिए रवानगी बार बार की जाती है, जब हमारे सामने हिदायत की बात बार बार आएगी ना तो हमारा वक्त कीमती बनेगा, वरना वक्त क्या होगा। हज़रत मौला साहब फरमाते थे, काम को काम बनाओगे तो काम बनेगा और काम को खेल बनाओगे तो खेल बनेगा। आज बहुत से लोगों ने काम को खेल बना दिया है, तो वापस आने के बाद वैसे के वैसे। आदमी अपनी जिंदगी बदलने की नीयत से अल्लाह के रास्ते में जावे। अभी हमारा मजमा अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, तो अल्लाह के रास्ते में जाने की जब भी आपकी टिकट हो, हमारी पूरी जमात एक मरतबा बैठ जावे, पूरी जमात हमारा तारुफ हो जावे, अमीर कौन है, मामूर कौन है, 12 साथियों की जमात है और तमाम के तमाम जाने वाले साथी, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले साथी अपने सामान को घर से ले लेवे, अपनी जरूरियात का सामान, ठंडी है तो ठंडी का सामान ले लेवे, गर्मी है तो गर्मी का सामान ले लेवे, गर्मी का बिस्तर अलग होता है, सर्दी का बिस्तर अलग होता है, ज्यादा सामान न ले लेकिन जरूरत का पूरा सामान ले। 12 जोड़ी कपड़े ले लें, 3-4 जोड़ी कपड़े ले लेवे, 3 जोड़ी कपड़े बहुत हो गए, वरना वो सामान दूसरों के लिए बोझ बनता है। जरूरत का पूरा सामान लेवे ताकि बाहर जाकर किसी के सामने सवाल न करना पड़े। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वतज़व्वदु फइन्न खैरज़्ज़ाज़ तक़्वा, ये हज के मौके की आयत है कि हज में जाते वक्त अपने तोशे को बराबर ले लो, बेहतरीन तोशा हज के मौके पर सवाल से बचना है, कि बंदा हज के मौके पर सवाल न करे। अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में न जुबान का सवाल होवे, न दिल का सवाल होवे, ये इस वक्त होगा कि आदमी अपनी जरूरत का सामान ले लेवे। आदमी बीमार है तो अपनी गोलियां ले लेवे, किसी को बीपी की तकलीफ है, डायबिटीज का कोई पेशेंट है तो उसके अपनी गोलियां साथ में, दवा साथ में ले लेवे, दवा को ले लेवे, अपना मिसवाक साथ में ले लेवे, तस्बीह साथ में ले लेवे, अपने कपड़े, अपना साबुन, अपना पाउडर, जरूरत का जो जो भी सामान इंसान घर पर इस्तेमाल करता है, इन सामानों को अल्लाह के रास्ते में साथ में ले ले, ताकि वहां जाकर सवाल न करना पड़े। लेकिन ज्यादा न ले, जितना उठा सके। बहुत सारे बूढ़े जमात में जाते हैं कि भाई हमको कहा सामान उठाना है, बहुत से जवान बच्चे हैं तो दो दो थैले भरते हैं। अपना जरूरत का सामान ले, ताकि अपना आदमी अपना सामान खुद उठा सके, किसी और के लिए बोझ न बने। और सामान लेने के बाद साथ अपनी टिकट को कंफर्म कर लेवे, और हमारी ट्रेन की टिकट हो, हमारी बस की टिकट हो, या जहाँ की भी हमारी टिकट हो, हमारी जमा जिस वक्त टिकट है और टिकट हमारे साथियों के सामने सफर के आदाब आ जावे और टिकट की जेरोस कर लेवे, एक साथी के पास टिकट न रहे और साथियों को पता हो कौन सी ट्रेन है, कितने बजे हमको निकलना है, कौन सी तारीख को निकलना है, ये साथियों के सामने मुजाकरे में बात आ जाए कि हमारे हमारी तारीख अल्लाह के रास्ते में हमारी ट्रेन अहमदाबाद से है या विरमगाम से है या पालमपुर से है, जहाँ जहाँ से हमारी ट्रेन का वक्त हो ये साथियों के सामने वक्त आ जाए। और फुला ट्रेन का ये नंबर है और हमारा हमारी सीट ये है और हमारा कोच ये है। और जिस दिन अल्लाह के रास्ते में जाने वाली जमातें होती है, जैसे बहुत सी जमातें कल रवाना हो जाएगी, वो जमातें हमारी स्टेशन पर हमारी ट्रेन का वक्त 11 बजे है या 1 बजे है, 2-2.5 घंटे पहले हमारी जमात अपने घरों से निकल जावे और घर पर सफर के आदाब में 2 रकात घर पर नमाज पढ़ने में, घर पर 2 रकात सफर की 2 रकात नमाज पढ़ने में, घर वालों के हकूक को अदा करे, घर की जरूरियात को देकर जावे अल्लाह के रास्ते में। है बात समझ में? अल्लाह के रास्ते में निकलने के वक्त हमारी जमात ट्रेन पर पहुंच गई, वहां पर पहुंचने के बाद अभी ट्रेन आने का वक्त हो चुका है तो साथी ट्रेन का इंतजार करके साथी सवार हो जावे। लेकिन अभी ट्रेन का वक्त नहीं है, अभी 1 घंटा है, 2 घंटा, 2.5 घंटा है, तो अमीर साहब की जिम्मेदारी है कि अपने 2 साथी खिदमत के तय कर लें। खिदमत के 2 साथी हमें हमेशा तय करने पड़ेंगे,
लेकिन जब ट्रेन का सफर के वक्त में ऐसे दो साथियों को तय करें जो समझदार हो, समझदार सफर करने वाले साथी हो, जिन्होंने पहले सफर अल्लाह के रास्ते में किए हो, समझदार हो, सूझबूझ वाले हो। इसलिए कि ईमान वाला जो होता है वो चालाक होता है। ईमान वाला न किसी को धोखा देता है न किसी को धोखे में आता है। अल्मुमिन ला यखदा वला युखदा, कि इस्लामी इस्लाम की सियासत क्या है, इस्लामी इस्लाम की सियासत, इस्लामी सियासत का उसूल क्या है कि मोमिन न किसी को धोखा देगा न मोमिन किसी के धोखे में आएगा। ऐसा साथी खिदमत के तय कर लेवे, हमारे तोशे वगैरह की फिक्र कर लेवे, और हमें पता होना चाहिए हमारी ट्रेन हमारा ये रुख है, हमारा दो दिन हमारी ट्रेन चलेगी, 24 घंटा हमारा सफर में होगा, 12 घंटा होगा, 48 घंटे हमारे सफर में होंगे। इस एतबार से हमारे सफर की तैयारी साथी करें ताकि हमें पता चले कि इतने बजे हम बेंगलोर पहुंचेंगे, इतने बजे हम हुबली पहुंचेंगे, धारवाड़ पहुंचेंगे, और इतने बजे हम तमिलनाडु सैलम पहुंचेंगे। साथियों के सामने पता हो इतने घंटे का हमारा सफर है, पूरा सफर का मुजाकरा आ जाए, ताकि साथियों को पहले से पता हो भाई दो दिन का सफर है हमारा, तो साथी तैयार रहे। और हमारी जमात स्टेशन पहुंच जावे तो एक कोने में जाने के बाद हमारे तमाम के तमाम साथी कोने में बैठकर वहां तालीम का हल्का शुरू कर ले। जो खिदमत के जो साथी गए वो पूरा टिकट वगैरह को देखकर चिट्ठी वगैरह से कॉन्टेक्ट करके हमारी जमात कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी उसके बारे में रब्ता करे, कौन से प्लेटफॉर्म पर हमारी गाड़ी होगी, पक्की बात हो जावे फिर हमारी जमात वहां बैठने के बाद हमारे साथी वहां कोने में बैठकर किताब की तालीम करें। वक्त ज्यादा है, किताब की तालीम करें। पर हमने अपने बुजुर्गों से बारगा सुना गए किताबी तालीम हम कतलो किताब के वाकियात तो नहीं पढ़ेंगे, जहाँ अखलाक की बातें हैं, सिला रहमी की बातें हैं, पड़ोसी के हकूक हैं, माँ बाप की खिदमत की बातें हैं, नमाज के फ़ज़ाइल हैं, जिक्र के फ़ज़ाइल हैं, कुरान के फ़ज़ाइल हैं, क्योंकि बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हमारी किताब की तालीम सुनते हैं। तालीम का अमल चालू रहे, तालीम के साथ दो साथी मुलाकातों में रहे, बहुत से मुसलमान होते वहाँ पैसेंजर, इन लोगों से मिले, मुलाकात करें, पुराना साथी तश्किल करे, नया साथी उसका जहन बनावे। पुराना साथी मिल गया तो बातों बातों में तश्किल करे, तुम्हारी क्या तरतीब अल्लाह के रास्ते में जाने की है, नया मुसलमान है तो उसका जहन बनावे, दावत का तश्किल ना करे, उसका दावत का जहन बनावे, दीन पर चलने के नफे बतावे, उसके सामने अल्लाह की बड़ाई की, अल्लाह के खजानों की बातें करे, अल्लाह कितना बड़ा है। दावत में ईमान को खूब बोला जा रहा हो, हमारी दावत में ईमान के फजाइल बोले जा रहे हो। हमारी जमात का वक्त यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से आज से, ऐसा नहीं हम वहां पहुंचेंगे तब जाकर दावत देंगे, बल्कि जो मुसलमान हमें मिले, बल्कि हम जिस गाड़ी में अपने अपने इलाके में रवाना होंगे, अगर गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान तो उसको भी दावत देंगे, उसकी भी तश्किल करेंगे, उसका भी जहन बनाएंगे कि दीन के चलने पर कितने बड़े नफे हैं, और दीन पर चलने पर अल्लाह पाक आपको क्या देगा, और दीन की बरकत से घरों में राहत आती है, बरकत आती है, सुकून आती है, और जिंदगियां खुशगवार बन जाती है। इस लाइन की बातें मोटी मोटी उसके सामने करें, ये करोगे इंशाल्लाह हमारा पूरा सफर दावत में, खिदमत में, सीखने सिखाने में, इबादत में चले, ये चार अमल हमारा हमेशा रहे, घर पर भी, अल्लाह के रास्ते में भी, कि हमारा वक्त दावत में गुजर रहा हो, जिक्र इबादत में, सीखने सिखाने में, खिदमत में, ये चार अमल में हमारा वक्त हमेशा गुजर रहा हो, अल्लाह के रास्ते के जमाने के अंदर भी और मकाम पर भी। ट्रेन आ चुकी है, साथियों को पता है कि भैया ट्रेन है, और हमारी और ट्रेन आने के पहले तमाम साथी अपने सामान को बराबर देख ले, हमारे 12 दागीने गए, हमारे 11 दागीने गए, और इज्तिमाई सामान में दो किताबें साथ में ले, दो किताबें, अगर हमारे साथी उर्दू पढ़ने वाले भी गए और गुजराती पढ़ने वाले भी गए तो गुजराती किताब का भी सेट ले ले, उर्दू किताब का भी सेट ले ले। किताब उठाने को बोझ ना समझे, कि कौन बोझ उठाएगा, लोग किताब उठाने को बोझ समझते हैं, वे किताब उठाना बोझ है, दो किताबों की क्या जरूरत है, वे तो तरबियत की किताब है, ये जो किताबों में भरा हुआ है, और कहा भी रवानगी की बात में, इसे इस्लाम के 5 शोबे किताब में है, ईमानियात भी है, इबादत भी है, मुआशरत भी है, अखलाक भी है, और मामला की पूरी लाइन इनकी दो किताबों में मौजूद है। इसको जब बार बार सुना जाएगा तो हमारे दिलों की दुनिया बदलेगी और हमारी जिंदगी दीन पर आएगी। मौला साहब फरमाते थे दीन तो आमाल के मजमूए का नाम है, बिरयानी खाली सोने का नाम नहीं होता, सब चीजें मिलकर बिरयानी बनती है ना भाई, बिरयानी में चावल भी होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, खुशबू भी होती है, तब जाके मिलती है बिरयानी। बिरयानी में जिस चीज की कमी होगी वो खाते वक्त बाहर आएगी कि यार मिर्च ज्यादा है, नमक की कमी है,
دین تو سارے اعمال کے مجموعے کا نام ہے. تبلیغ میں نکل کر سارا دین زندگی میں آنے کے لیے کتابیں ہیں فضائل کا علم. دو کتابیں ساتھ میں لے لیں, ہماری ٹرین آ گئی ماشاء اللہ, تو ٹرین میں آنے کے بعد ہم سفر کا مذاکرہ کر لیں. سفر کی کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سفر میں جاتے تھے کیا دعائیں پڑھتے تھے؟ یہ دعا پڑھنے کے بعد سواری کو دیکھ کر کیا دعا ہے, بیٹھنے کے بعد کی کیا دعا ہے, اور میری سب ساتھیوں کے سامنے مذاکرہ کر لے. ہماری جماعت ٹرین میں بیٹھے, اگر رات کا وقت ہو اور رات کو اگر پیسنجر سوئے ہوں, پیسنجر ان کو اٹھاوے نہیں, ہم جماعت میں ہیں, ہمارے اخلاق اور ہمارے عادات ایسے ہو کہ لوگوں کو سکون ملے. اگر کوئی ساتھی اگر ہماری سیٹ پر بیٹھ چکا ہے تو اس پر غصے نہ ہوئے, بھائی ہماری سیٹ پر تم بیٹھ گئے ہو. اس کو پتا ہوتا ہے کہ سیٹ ہماری نہیں ہے لیکن خالی ہوتی, لوگ بیٹھ جاتے محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, بھائی دیکھو ہماری سیٹ ہے. دن کا وقت ہو تو اس کو بٹھاوے, ہم قریب میں بیٹھ جاوے. رات کا وقت ہو, اگر آپ کا سونے کا وقت ہو جائے تو ان کو کہ بھائی میرا سونے کا وقت ہو چکا ہے, اپنے سامان کو برابر رکھ لے, سب سیٹوں میں شور نہ کرے. اور تمام کے تمام ساتھی اپنے اپنے سامان کو اٹھاوے. اور ابھی صاحب نے جس کو کہا ہے نا اجتماعی سامان کا اٹھانے کا, وہ ساتھی اجتماعی سامان کو اٹھاوے. کوئی ساتھی بغیر پوچھے کسی کا سامان نہ اٹھاوے. بوڑھے میاں تمہارے ساتھ ہے تو بوڑھے میاں کا سامان اگر تم کو اٹھانا ہے تو پہلے پوچھ رہے بوڑھے میاں کو کہ تمہارا سامان اٹھا سکتا ہوں. بوڑھے میاں کو تم نے پوچھا نہیں, ٹرین آ گئی, تم نے سامان کو لے کر اندر چلے گئے. اب بوڑھے میاں پریشان, میرا سامان میرا سامان. ہر ایک ساتھی اپنے سامان کو خود اٹھا لے. اور کوئی ساتھی ہماری جماعت معذور ہے, اہل علم ہے, علماء ہے, یا کوئی بوڑھا مرد ساتھی ہے, ان کے سامان کو اٹھانا تو ان کو پوچھ کے اٹھا لے. اور اس لیے میں سامان کے ہر ایک ساتھی فکر کرے, سامان برابر رکھ لیا. اور ٹکٹ ہمارے پاس ہے, اب ہے نا امیر صاحب جس کو ذمہ داری دے نا کہ بالکل ٹی ٹی ہے, ٹی ٹی تو ٹی ٹی سے کون بات کرے گا, تو سب ساتھی بات نہ کرے. جماعت بہت سے ڈاٹ ڈائے ہوتے ہیں, ڈایا اچھا, ڈاٹ ڈایا بہت خراب, ڈایا اچھا. کیوں امیر صاحب موجود ہے ہماری جماعت میں اللہ کے راستے میں, اگر کوئی ٹی ٹی بات کرتا ہے تو ہمارے امیر صاحب بات کریں گے اس کے سامنے, یا امیر صاحب نے جس کو ذمہ دار بنایا وہ بات کرے گا کہ آپ بات کر لیں. ہمارا ٹکٹ برابر ہو تو ٹکٹ میں ہمارا نام کیا لکھا ہے وہ بھی پتا ہو, مذاکرہ ہو جاوے کہ دیکھو میں نے تمہارا نام ٹکٹ میں یہ لکھا ہے, تمہاری عمر یہ لکھائی ہے, تمہارے آدھار کارڈ, کیونکہ بہت سے لوگوں کے نام ڈبل ڈبل ہے, بلکہ بہت سے نام تو چار پانچ نام ہوتے ہیں, منو بھی ہے, بنو بھی ہے, ایک ایک کے نام, ایک کے پانچ نام. اب لوگ اس کو پکارتے بنو سے, اور اس کا نام لکھا ہے بلال خان, بٹ کیونکہ تمہارا نام کیا, کہ میرا نام تو بنو ہے, بھائی تمہارا تو بلال خان لکھا ہے. اب مسئلے کھڑے ہو گئے, تو تم نے جو نام لکھایا ہوا ہے اسی نام سے تم کو پتا ہو کہ میرا نام آدھار کارڈ بھی یہ نام ہے اور میرے اس نام سے ٹکٹ بنوائی ہے. ہمیں اس کا مذاکرہ ہو جائے سفر میں. بعض بار چھوٹی چھوٹی باتیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. ساتھ اپنے سیٹوں پر بیٹھنے کے بعد اب ہمارا مشورہ ہو جائے ٹرین میں, ہمارے 42 گھنٹے کا سفر ہے, اتنی نمازیں آئے گی, دو ٹائم کا کھانا, ایک ٹائم کا ناشتہ ہمارا سفر میں آئے گا, توشا وغیرہ ہم ساتھ میں لائیں گے, تو کھانے کا وقت بھی طے ہو جائے, مشورہ ہمارا ہو جائے. ہم تعلیم کب کریں گے, کتنی منٹ تعلیم کریں گے, تعلیم کون کرے گا؟ ہمارے ٹرین کے سفر میں ہماری تعلیم بھی ہوگی, گشت بھی ہوگا, موقع محل سے حکمت کے ساتھ. حکمت کے ساتھ دعوت ہدایت ہے, بغیر حکمت کے دعوت گمراہی ہے. حکمت کے ساتھ موقع محل سے تعلیم کریں. اگر سب ایک ہی بول ایک ہی جگہ پر بوگی میں سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تعلیم کریں گے, تعلیم میں وہی باتیں پڑھیں گے جو آپ کے سامنے تھیں. آدھا گھنٹہ تعلیم ہو گئی, 15 منٹ تعلیم ہو گئی, لیکن تعلیم ہوگی. لیکن ساتھی سب انفرادی ہیں اور جمع ہونے میں مسئلہ ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے, تو ساتھی انفرادی اعمال کریں, اپنے اپنے انفرادی اعمال میں لگے, قرآن کی تلاوت کرے, اللہ کا ذکر کرے, اپنے معاملات کو پکارے. دو ساتھی پاس میں بیٹھے, سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ کرے. یہ 42 گھنٹوں میں تو چار دعا یاد ہو جاوے, اور 24 گھنٹے کے سفر میں دو صورتیں نہیں یاد ہو جائیں. سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہو ہمارے ٹرین میں, ہمارا مشورہ ہو جاوے کہ نمازیں ہمیں سفر میں پڑھنی ہیں, تو نمازوں کا وقت طے کرے مشورے سے, تاکہ ساتھیوں کو پتہ چلے کہ نماز کا یہ وقت ہے, اتنے بجے ہمیں آرام کرنا ہے, عصر کتنے بجے پڑھیں گے, ظہر کتنے بجے پڑھیں گے, مغرب کتنے بجے پڑھیں گے. نمازوں کو تو اوقات میں ہی پڑھنی ہے, لیکن وقت طے ہو جائے تاکہ ساتھی کو آرام کرنا ہو, وضو سے پہلے فارغ ہو جائے. ہے بات سمجھ میں؟ ہم ٹرین میں کریں گے وضو, پھر سارا کا سارا, چونکہ ایک کوچ کے اندر 72 پیسنجر ہوتے ہیں, 72, اور 72 پیسنجروں کا پانی ہوتا ہے, تو ہمارے ساتھی پانی کا کم استعمال کریں گے, صرف فرائض پر اکتفا کریں گے. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 13. کتنے ہیں؟ 13 نہیں ہے, 4 ہے. کتنے ہیں؟ وضو کے صرف 4 فرض ہیں, تو 4 فرض ہے, 4 فرض کا پانی استعمال کریں گے. ہے بات سمجھ میں؟ اب زیادہ پانی, اب
चेहरे को चार बार धो रहा है, पांच बार धो रहा है। अच्छा, वजू हम बाहर नहीं करेंगे। एक तो होता है कि तुम्हारी कोच के अंदर अंदर टॉयलेट होता है, एक बाहर होता है जहां से लोग उतरते चढ़ते हैं, वहां हम न ब्रश करेंगे, वहां न वजू करेंगे, वहां छींटे उड़ेंगे, लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, बहुत सारे पैसेंजरों को, मुसाफिरों को। हम अंदर टॉयलेट में जाकर, वो पानी बिल्कुल पाक है, वजू भी कर सकते हैं, गुसल की जरूरत पड़ी तो गुसल भी कर सकते हैं और पी भी सकते हैं, पानी बिल्कुल पाक होता है, वहां वजू करेंगे, पानी को कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी के भरने की जगह होती है कि पानी इतने घंटों के बाद वहां भरा जाएगा, और आपने पानी को खत्म कर लिया तो आपका भी मसला होगा, अंदर तमाम पैसेंजर बैठने वालों को तकलीफ हमारी जमात के जरिए पहुंचेगी, इसका खास ख्याल करें। हाँ, बार बार वजू ना करें और सफर में नमाज का वक्त तय हो जाए। हम ट्रेन में अजान नहीं करेंगे, और ट्रेन के अंदर हमें नमाज पढ़नी है, नमाज ट्रेन के अंदर पढ़नी है, तो नमाजों की कसर है सफर में। जो साथी जाने वाले साथी नलकांठा वाले, दो चार साथी खड़े हो जाए वाले, अल्लाह के रास्ते में जमात अपने अल्लाह के रास्ते में जाने वाले साथी, इसका खास ख्याल करें। सफर में नमाज क्या होगी? कसर होगी। क्या होगी भाई? कसर। और कसर के अंदर भी मुख्तसर, और नमाज हम बाजमात पढ़ेंगे सफर में। नमाज कोई साथी दूसरे न उठे, मैं आ जाऊं, आ जाओ माशाल्लाह, हमारी नमाज सफर में कसर होगी और मुख्तसर, और दो दो की जोड़ी बना बना के नमाज पढ़े। और नमाज हम स्टेशन पर नहीं पढ़ेंगे, हाँ दो घंटा तीन घंटा अगर हमको रुकना है आगे दूसरी ट्रेन पकड़नी है तो ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन हम चालू ट्रेन के अंदर कि भाई पाँच मिनट का होल्ड लगे, दस मिनट का होल्ड लगे, तब भी हम जमात को जमात के साथ नीचे भी नहीं पढ़ेंगे, इत्मीनान नहीं होता। दो दो की जोड़ी बनाकर जमात से नमाज पढ़ेंगे, फजर की चार पढ़ेंगे, दो रकात सुन्नत, दो रकात फर्ज, लेकिन सुन्नत पढ़ने का वक्त ही नहीं है, या वक्त तो है लेकिन भीड़ बहुत है, सिर्फ दो रकात फर्ज पढ़ेंगे। जोहर की चार की दो पढ़ेंगे, असर की दो पढ़ेंगे, मगरिब की तीन पढ़ेंगे, और ईशा की दो रकात फर्ज पढ़ेंगे, और तीन रकात वितर वाजिब पढ़ेंगे। किबला की तरफ मुंह होना जमात सफर में भी जरूरी है, हमारे पास किबला रुमा होना चाहिए, मोबाइल नहीं, क्या होना चाहिए बोलो? कि भाई मोबाइल इसलिए रखते हैं कि किबला रुमा अंदर है, मोबाइल में तो सब कुछ है, पूरी दुनिया है, इसका बहाना नहीं है। हमारे पास किबला रुमा अलग से मिलता है, तो किबला रुमा से हम क्या करें, किबला की तरफ देखकर नमाज पढ़े। और नमाजें सफर में खड़े होकर पढ़े, बैठ कर नमाज नहीं होती। बहुत से लोग नमाज क्या पढ़ते हैं कि चलो इस तरफ किबला है ना, तो दोनों एक दिन नमाज पढ़ाई, दोनों इस तरफ बैठ कर नमाज पढ़ते, नमाज नहीं होगी। कि भाई वहां नफल होती है, नफल में कयाम नफल है, फर्ज में कयाम फर्ज है, फर्ज में कयाम क्या है, फर्ज नमाजों में कयाम करना भी फर्ज है, बैठ कर नमाज पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। सिर्फ फर्ज पढ़ेंगे, सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, सफर में कसर पढ़ेंगे, सुन्नत माफ है, और नफल नफल साफ है, नफल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और सफर में सुन्नत है क्या, बिल्कुल माफ है, आई बात समझ में? इसलिए खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। हर कोई माजूर आदमी है जो पहले से बैठकर पढ़ता है अपने मकाम पर भी, तो सफर में बैठकर पढ़े, आई बात समझ में? अगर टेन हिल जाती है तो घबरावे नहीं नमाज में, अगर यूं हाथ लगाना पड़े तो लगा सकते हैं, कि नमाज को खड़े होकर पढ़ेंगे, नमाज को सफर में कजा नहीं करेंगे। और तालीम के वक्त में थोड़ा सा दश कर लेंगे, वो भी कौन दश करेगा जमात में, तो पुराना साथी समझदार हो जो बात कर सकता हो, समझदारी हो, हिकमत हो, तो जाकर दावत दे, चलो हमारे तालीम है, कम से कम नमाज के वक्त पर उनको नमाज की दावत दे, जो माशाल्लाह हमारे साथ नमाज पढ़ो, हमारे पास लोटा भी है, हमारे पास मुसल्ला भी है, चादर भी है। बहुत से मुसाफिर कहते हैं हम जिंदगी में बेनमाजी थे, ट्रेन में हमारा सफर हुआ, एक तबलीगी जमात की मुलाकात हो गई, उन्होंने हमें हमेशा के नमाजी बना दिया। और बहुत से जमात के साथियों ने सफर के दो दिन में पैसेंजरों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दिया, प्रैक्टिकली नमाज के ये फर्ज है, वुजू के ये फर्ज है, नमाज सिखाई, नमाज में ये चीजों को पढ़ा जाता है। ये हमारे अल्लाह के रास्ते में जाने वाली बेरून जमातों की मेहनत देखो, हर आने वाले मुसलमान मुसाफिर के सामने अल्लाह की बड़ाई बोलकर उसको दीन से करीब करते हैं। हम सफर में चक्कर नहीं लगाएंगे, ये डब्बा से दूसरा डब्बा, लोग शक की निगाहों से देखते हैं, लोगों से ज्यादा इख्तिला सफर में नहीं करेंगे। अगर साथियों को चाय पीनी हो चाय, इज्तिमाई चाय पियेंगे तमाम के तमाम साथी, लेकिन बात तो बार बार चाय पीते हैं। अगर जमा के ट्रेन में अगर आपको बार बार चाय पीने तो अपने इंफिरादी खर्चा करेंगे, है बात समझ में? सबको पीने तो इज्तिमाई खर्चा करेंगे, और तमाम साथी एक साथी के पास पैसे रखेंगे नहीं, पैसे अभी जमा नहीं करेंगे,
जब तक हमारी जमात मकाम पर न पहुंच जावे तब तक पैसे हरे के पैसे हरे के पास रहेंगे। अब कुछ इस्तेमाली पैसे जमा हो जाए सफर के खर्चे के लिए, और वहां जाने के बाद हमारे से जब पैसे जमा करे तो किसी को पता ना कि उसके पास पैसे जमा है। एक साथी के पास पैसे जमा ना करे बल्कि दो तीन साथियों के पास। आपका कॉन्टेक्ट सिर्फ अमीर से हो, अमीर साहब मुझे पैसों की जरूरत है, अमीर साहब अमीर साहब दे देंगे आपको, बात समझ रहे हो? हाँ। और ट्रेन में जैसे पैसे निकाले ना सबके सामने, चौकन्ना होके सफर करे, चौकन्ना होके मामू बन के सफर ना करे, सब हमारे जैसे नहीं होते। हमारे जैसे बैतुल्लाह के अंदर भी लोग जेब काटने वाले होते हैं, बहुत से दाढ़ी के चेहरे के साथ भी लोग जेब काटते हैं। इसे कहा ना अभी मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब ने, मामू बन के सफर न करे, हम हर एक बातों में नहीं आएंगे। हाँ, और किसी का खाना हम सफर में नहीं खाएंगे, किसी को खिलाएंगे भी नहीं। अगर कोई अपना साथी है जो अपने पहचानते हैं, पहले से मुतारफ है और हमारे साथी जानते, तो ठीक है उनको खाने में शरीक करे, कोई जमात वगैरह कोई नुसरत के साथी है या कोई अपना मुसलमान भाई है जो बराबर हम हमारा दिल सरे सदर हो चुका उसके बारे में एक दो दिन रहकर, लेकिन पहली मुलाकात में ना खाने की दावत देंगे। अगर तुमने खाना खिलाया उसको कुछ नाटक हुआ और वो बेहोश हो गया तो पूरी जमात पर आएगा असर। इससे बहुत चौकन्ना बन के हमारा सफर होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ। और स्टेशन पर नीचे ना उतरे, बहुत से लोगों को उतरने का शौक होता है कि चलो सोलापुर है, सोलापुर देखे, गुलबर्गा देखे, हैदराबाद देखे, हुबली देखे, धारवाड़ देखे, पागलकोट देखे, अब बेंगलोर देखे, पूरी पट्टी को देखे, और वहां दरवाजे पर खड़े न रहे, अपने अपनी जगह पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करे, सीखने सिखाने का मुजाकरा करे। जो खिदमत के साथी है अगर कोई चीज नीचे सलाने वो साथी चले जाएंगे, और हमारे साथी वहां चले नहीं, और खाने का कोशिश में ऐसा खाना ले मेरे भाइयों कि गैर मुस्लिमों को तकलीफ न पहुंचे। आपको पता है आप लोग बीड़ी पीते हैं, जो लोग बीड़ी नहीं पीते उनको जाकर पूछो, अगर उनके पास बैठने वाला अगर बीड़ी पीता उनको कितनी तकलीफ होती है, बल्कि बाद लोगों को तो उल्टी हो जाती है। मेरा नबी ने फरमाया सबसे अच्छा सालन तो गोश्त है, लेकिन बहुत से लोग पसंद नहीं करते। जो हमारे बिरादर ने वतन है तो हम क्यों गोश्त खाएंगे? रोजाना गोश्त तो खाते हैं। हमारा तोशा ऐसा हो जो सब लोग खाते हो तो हम खुल्लम खुल्ला भी खा सकते हैं, सब्जी वगैरह लेवे सफर में, और सफर में खाना थोड़ा कम खावे। क्यों कम खावे? कि मौना में तो रोजाना है ना, फतेहबाड़ी में चलता है खाना खाने के बाद दो घंटा खाना हजम करने के लिए, तो मैं चार पांच डब्बे घूम के आऊं, तो घूमने की जरूरत क्यों पड़ती है? खाना इस सफर में कम खाएंगे तो खाना हजम हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको एक डब्बे से दूसरे डब्बे में आपको नहीं जाना है। बस सफर में दोस्ती न करे, अखबार न पढ़े, ज्यादा टेलीफोन से कोई बात न करे, हालात हाजिरा पर कोई बात न करे पॉलिटिकल। अगर कोई पूछे तो हमें कुछ पता नहीं, मुझे कहा जा रहे हो कि जमात में जा रहे हैं, तबलीगी जमात पूरी दुनिया में मुतआरफ है, पूरी दुनिया मुतआरफ है, सबको पता है तबलीगी जमात है, पूरे ट्रेन के डब्बे में सबको पता है। कदम डॉक्टर अशरफ ने कहा था कि भाई तबलीगी जमात तो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है जमात। ये लाइट वाले कह रहे, लाइट वाले ना मुझे कह रहे थे हमने तो ऐसी बातें कभी जिंदगी में नहीं सुनी, ये अल्लाह से होता है, ये पहली बार सुना। हम तो ये समझ रहे थे कि ये आएंगे तो ये करेंगे, ये हारे तो ये हमारा कुछ नहीं होगा, कि हमने तीन दिन के ढाई दिन के इस्तेमा में सिर्फ हमारी जबान पर कलमा नहीं आया कि मौलाना इतनी शांति और इतना सुकून इस्तेमा में मिला है। मालदार क्या, गरीब क्या, बड़ा क्या, छोटा क्या, एक ही सब नमाज पढ़ते गए, और अल्लाह वाले आसमान के ऊपर की जमीन के नीचे की बात करते हैं, अल्लाह ही की बात कर रहे हैं, अल्लाह की बढ़ाई की बात है। पॉलिटिकल कोई बात की जमात पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन कहां ऐसी पॉलिटिकल है कि पूरी दुनिया में चली गई। क्या चली गई? अमेरिका इराक साथ में खाना खा रहा है, काले और गोरे साथ में खाना खा रहे हैं, अरब और आजम साथ में खाना खा रहे हैं। कि तबलीगी जमात ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, अरब क्या आजम क्या, मालदार क्या गरीब किया, ये जमात के उसूल ऐसे है कि इसमें सिर्फ फजाइल है, मसाइल भी नहीं है, इसमें मसाइल का मुजाकरा नहीं है, फजाइल है। तो अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, एयर में कोई हालात हाजिरा की बात पॉलिटिकल की कोई करे तो हम जवाब नहीं देंगे, तो हमें कोई पता नहीं, हम तो सिर्फ अल्लाह के रास्ते। बोले तुम गुजरात के हो क्या? हाँ। तुम गुजरात के हो, तुम्हारे हो क्या, तुम कौन? फिर आप खुश हो जाते हैं, हाँ हमारे गुजरात के, इस गाँव के पूरा एड्रेस दे देते हैं। बस समझ में चौकन्ना होगा, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, ये जबान अल्लाह ने बोलने के लिए दी है। अजाली फरमा करते थे ना, जो बोला उसने अपनी हकीकत को खोला, जो बोला उसने अपनी हकीकत को, आदमी की सारी अकलमंदी उसकी जुबान के पीछे नीचे छुपी हुई है, और आदमी का पागलपना भी उसकी जबान के नीचे छुपा हुआ, बेवकूफी भी।
शहर में हमारा सफर संजीदगी के साथ हो, सिखने सिखाने के साथ, दावत तालीम इस्तकबाल के साथ, नमाजों की पाबंदी के साथ। हमारा जब मंजिल आने का वक्त हो जाए ना मंजिल, हमारे साथ अपने अपने सामान को बराबर देख लेवे और साथ ही सफर में अपने जान की, अपने ईमान की, अपने माल की बराबर हिफाजत करें। हमारी नमाज कज़ा ना हो, और फजर की नमाज अगर पढ़ जाए तो फजर के बाद लाइट चालू ना करें। बहुत से पैसेंजर सोए हुए हैं कि मौलाना में तो फजर के बाद रोजाना लाइट चालू करके कुरान पढ़ता था, वे घर नहीं है। कुरान बाद में पढ़ेंगे आप, कुरान बाद में पढ़ेंगे, अभी आप आराम करो, अभी अंधेरा है, जिक्र करो, तीन तस्बीहात को पूरी करो, बहुत से मामूलात फजर के बाद अल्लाह के जिक्र रखे हैं, जब रोशनी हो जाएगी तो आप कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह के रास्ते में बहुत हिकमत के साथ हमसे किसी को तकलीफ न पहुंचे। हमारी मंजिल आ गई, आपको पता यहाँ उतरना है, साथी चौकन्ना हो जावे, अपने सामान को बराबर देख लेवे और तमाम साथी नीचे उतरने के बाद अपने सामान को बीच में रख साथी एक तरफ हो जावे। अमीर साहब की जिम्मेदारी है अपने साथियों को अपने सामान को बराबर गिन लेवे, इसके बाद अमीर साहब साथियों के सामने अजाइम करावे। हम क्यों आए हैं अल्लाह के रास्ते में, अजाइम करावे, वही स्टेशन पर अजाइम करावे। क्या अजाइम कराए? अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकले हैं कि भाई यहाँ का हर मुसलमान, जहाँ हमारी जमात जा रही है, यहाँ का हर मुसलमान पांच वक्त का नमाजी कैसे बने, अल्लाह का जिक्र करने वाला कैसे बने, और लोग अल्लाह के रास्ते में जमातों में कैसे निकले, चार महीनों में, चिल्लों में ये नियतें करें। और मजीबा जमात की नियत करें, मजीबा जमात बनाएंगे, और अपनी खुद की नियत करें, अपने जान माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में आए हैं, अपने जान माल को कीमती बनाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमेशा फिर दुआ करावे, वही दुआ करावे, जामे माने दुआ, मुख्तसर दुआ हो जामे माने दुआ। और दुआ करने के बाद वहां पहुंचने के मियां जी मेहरा फरमा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत के उम्र में तीन सबब हैं। एक सबब हमारी जमातें पैदल, जो मैंने पहले बताया पूरा पैदल जमातों का खाका, और अगर दूर जाना है और सवारी में जाना है तो हम सवारी के आदाब, सवारी की दुआएं पढ़ लेवे, और हो सके तो हमारी जमात एक ही सवारी करे, बड़ी गाड़ी कर ले ताकि जमात एक ही साथ सफर। बाद मतलब क्या होता है, दो रिक्शा कर ली, दो गाड़ियां कर ली, अभी जब गाड़ी आगे निकल गई, गाड़ी पीछे हो गई। कोशिश करें हमारी जमात एक ही गाड़ी में रवाना हो, है बस समझ में। गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान, उसको अल्लाह के दीन की दावत है, गैर मुस्लिम है, उसके सामने इस्लाम की खूबियाँ बयान करें, अच्छे अखलाक बतावे, अखलाक को देकर गैर मुस्लिम मुतासर होते हैं। हमारी जमात जहाँ पहुँच जावे, हमारी जमात वहाँ पहुँचने के बाद हमारे साथी अल्लाह के रास्ते पहले निकलने की नीयत करें। क्या नीयत करेंगे अल्लाह के रास्ते में निकलने की नीयत? अल्लाह के रास्ते में निकलने की हमारी ये नीयत हो कि दीन पर चलना सीखने के लिए मैं जा रहा हूँ। बोलो बोलो पूरे साथी, दीन पर चलना सीखने के लिए, अल्लाह के रास्ते में दीन पर चलना सीखने के लिए जा रहा हूँ। अपनी को पूछेगा अल्लाह के रास्ते में क्यों निकले हो? नहीं, ये तो हर अमल में ये नीयत हो कि अल्लाह पाक राजी हो जावे, लेकिन नीयत ये करें मैं दीन पर चलना सीखने के लिए जा रहा हूँ। अपनी जात की नीयत ये नीयत करें, क्योंकि मैं अल्लाह के नबी का आखिरी उम्मती हूँ, तो उम्मती होने के नाते मेरी जिम्मेदारी दूसरी भी है, तो मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की दावत पहुँचाऊंगा। दीन सीखने नहीं, दीन तो घर पर भी सीख सकते हैं कि भाई दीन सीखने आया हूँ, नमाज सीखने आया, नमाज तो घर पर मस्जिद के इमाम साहब के पास सीख सकते हैं। दीन पर चलना सीखने के लिए हमारे यहाँ तो हर लाइन का दीन है, बीमारी का दीन, सफर का दीन, बल्कि गुनेगार का भी दीन है। कि गुनेगार का दीन क्या है? कि गुनेगार का दीन तोबा है, कि गुनेगार तोबा करेगा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करेगा। हमारी जमात मस्जिद में पहुंच जावे, अगर मकरू वक्त न हो तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ लेने के बाद अपने सामान को बराबर रख ले। पहले जमात जब निकलती थी तो सामान का एहतमाम करती थी, सामान को कैसे रखना, और सादा पर अच्छी तरीके पर चादर को डाल देवे। और मकरू वक्त न हो या नमाज से खड़े होने का वक्त न हो तो मेरे भाइयों, हम फौरन वजू करके दो रकात तहियतुल मस्जिद, दो रकात तहियतुल वुजू पढ़ेंगे, चार पढ़े, दो में दो की नियत भी कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे साथी फौरन जुड़ जाए मशवरे में। मशवरे में जुड़ने के बाद हमारे साथी सबसे पहले अगर मकामी साथी हो तो मकामी साथी से मस्जिद के अहवाल ले लेवे। अहवाल, आपकी मस्जिद के तरह में बारीक बर्दों की तादाद कितनी है, ये 200 है या 300 है, कितने मकानात है पहले, कितने बारीक बर्दों की तादाद है, कितने चार महीने के साथी हैं, कितने उलमा है साल वाले, और कितने उलमा की तादाद है, चिल्ले वाले कितने हैं, आपका गश्त कितना होता है, आपकी पूरे साल की जमातों की औसत कितनी है। लेकिन साथी जो लें कार गुजारे वो साथी बतौर इम्तिहान के न लें, अहवाल 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 लेने में नरमी हो, ताकि आपको काम का पता चले। जमात जिस मस्जिद में पहुँच गया ना, तो जमात के आने की बरकत से उस मस्जिद के काम की सतह ऊंची हो। जमात दो दिन रहे, तीन दिन रहे, ये अहवाल हमारे सामने आएंगे इंशाल्लाह, तो काम करने में क्या होगा, आगे की तरक्की होगी। इसके बाद साथी सबसे पहले मशवरा तीन बातों का करें,
और मेरे सब साथियों के सामने मशवरे के आदाब में मेरे तीन बातों का आज़्म करावे। कौन सी तीन बातें? मशवरे की तीन बुनियादें हैं। जिस तरह हम लोग अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, यहाँ से भी लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले कैसे बने? चार घरों में जमाते चले, चिल्ले में हमारी जमाते चले, इनकी नियतें करावे। खाली नियत करने से काम होगा? हाँ भाई बोलो, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रैक्टिकली जमाते बनानी पड़ेगी, मुलाकातों की, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमाते। जब चार चार घंटा, पांच पांच घंटा जब बस्तियों में, मोहल्लों में घूमती है ना, तब जाकर नकद जमाते बनती है। ढाई घंटे तो घर पर है, ढाई घंटे तो घर पर फारी करने हैं। अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में जब जमाते फजर के बाद बिस्तर नहीं बिछाती, बल्कि फजर की नमाज के बाद जमाते मुलाकातों में, मोहल्ले में चलती है। और किस तरीके पर तरतीब बनावे, हमारी ये बात खास सुने। हमारी तमाम अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले जमात के साथी मस्जिद के अतराब के मकानात 200 मकानात है, अपनी जमात को मकान तकसीम कर ले। तीन साथी 50 मकान पर मेहनत करेंगे, ये तीन 50 पर और ये तीन 50 पर, और हमारी जमात में 12 साथी है, तो 12 साथी दो दिन तीन दिन के कयाम के जमाने में 200 मकानों के हर बालिग मर्द की मुलाकात करेंगे। ये टारगेट हो हमारा कि हम 50 मकानों में मुलाकात करके तीन साथी पूरी चिल्ले के चारवा की जमात बना लें। अब उसके लिए एक घंटा काफी है। जब जमात चार घंटे पांच घंटे मुसलसल चलेगी इंशाल्लाह, तो 50 घरों की 200 घरों की मुलाकातें आसान हो जाएगी। जमातें चले बस्तियों में, थकोगे तो ईमान ताजा होगा। अल्लाह को जितना बोलोगे अल्लाह की बड़ाई दिल में आएगी, और मुलाकातों के अंदर ईमान को बोले, अल्लाह की बड़ाई को बोले, अल्लाह की ताकत को बोले। सब कुछ करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। जितना अल्लाह से होने को बोला जाएगा मुलाकातों में, तश्कीलों में, हमारा दिल जिंदा होगा और हमारे दिल में अल्लाह की ज़ात आली से होने का यकीन बैठेगा। करोगे इंशाल्लाह कि सो जाओगे फजर के बाद? जो जमात फजर की नमाज के बाद सो जाती है वो जमात काम नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों के मिलने का वक्त ही फजर के बाद है। आपको बस्ती वाले कहेंगे कि मौला फजर के बाद कोई नहीं मिलता, जैसे हम भी दूसरों को कहते हैं कि चलो मुलाकात में, कि फजर के बाद कोई नहीं मिलेगा। आपको पता है हर मस्जिद के अतराब में तीन किस्म के लोग रहते हैं। एक किस्म का तबका जो रहता है ना, वो रहता है तबका मजदूरों का। मजदूरों की चाय जब हमारी फजर की नमाज होती है, मजदूर रास्ते से फारिग हो जाता है, होता कि नहीं होता? मजदूरी करने जाना है, अपना टिफिन तैयार करता है, फजर के बाद उसका टिफिन तैयार हो जाता है। मुसलमान का जो मजदूरी करता है तो फजर के बाद मिलेगा नहीं? आप तहज्जुद पढ़ के जाओगे तो भी मिलेगा। और एक तबका होता है नौकरी करने वालों का, मुलाजिम तबका, जो दुकान पर नौकरी करता है, कहीं जॉब करता है, वो तबका 7:30 बजे उठ जाता है, उस तबके की मुलाकात करेंगे। और एक तबका होता है दुकान के मालिकों का, वो 9:10 बजे उठ जाते हैं, उनके वक्तों पर उनकी मुलाकात करेंगे। हमारी जमात जितनी चलेगी ना, जितनी चलेगी, आप कहेंगे चलो हमारे साथ, अगर कोई रहबर साथ न दे, बगैर रहबर के काम करे, हमारी जमाते रोजाना 4 बन जावे, 4 जमाते, 3 जमाते, और हमारी जमाते मुलाकातों में चले। टारगेट के साथ हदब हमारा हो कि मुझे मेहनत करके हर घर में जाकर हर अल्लाह के बंदे की मुलाकात करके उसके सामने अल्लाह की बड़ाई को बोलकर दीन के नफे बताकर उसको अल्लाह के रास्ते में भेजना है कि दीन पर चलने में क्या नफे हैं, दीन पर न चलने में क्या नुकसान है, ये हम बतावें। कौन कौन बताएगा बोलो भाई? आप लोग जो अल्लाह के रास्ते में चले ना, आपके सामने मुलाकातों में साथी आए होंगे, अल्लाह की बड़ाई बोली होगी, अल्लाह से होने को बोला होगा, तब जाकर ये मजमा तैयार हुआ है। तो पहला ये मशवरा करना है कि नकद जमाते अल्लाह के रास्ते में कैसे निकले। इस तरह हमारा ये मशवरा होगा, क्या मशवरा होगा? कि मस्जिद जमात न हो तो बनानी है, न हो तो बोलो जोर से, न हो तो बनानी है। तुम थके हो, मैं भी थका हूं इस्तिमा में, न हो तो बनानी है, और बनी है लेकिन कमजोर है तो क्या करेंगे? मजबूत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मजबूत बनाएंगे। और मजबूत है तो उससे फायदा उठाएंगे। मजबूत कमजोर की निशानी क्या कि मस्जिद जमात मजबूत है कमजोर है? मस्जिद के हवाले हमारे सामने आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 80 लोग चार महीनों वाले हैं मस्जिद के तरफ में, और चिल्ले वालों की तादाद 150 है, लेकिन मशवरे 15 साथी बैठते तो मशवरा कमजोर है। बहुत बड़ा मजमा घरों पर है, वक्त लगा जुड़ता नहीं है। तो मस्जिद जमात को मजबूत कराने के लिए हम मस्जिद जमात में कहेंगे भाई हमें मुलाकातें कराओ। जिन साथियों के चार माह लगे गए, चिल्ले लगे गए, साल वाले उलमा गए, उलमा की मुलाकात तो हमारे उलमा करेंगे सिर्फ, है बात समझ में? और मुलाकातें करके हम उसको क्या करेंगे, उनको मस्जिद जमात में जुड़ने की बात करेंगे। हम दो दिन तीन दिन मुलाकातें करके वो साथी मस्जिद जमात में बैठने वाला बन गया ना, हमारी जमात तो आगे चली जाएगी।
वो जितना भी काम करेगा ये सारा का सारा काम का अजर हमें भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या मशवरा करेंगे कि चूंकि हम जान और माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में आए हैं और ये जान और माल बहुत बड़ा कीमती है, अल्लाह की दी हुई अमानत है, तो हमारा जान और माल कहाँ लगेगा? अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में इंफिरादी अमल में लगेगा, इस्तेमाई अमल में लगेगा, इंफिरादी अमल में लगेगा। अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में 8 इस्तेमाई अमल है और 8 इंफिरादी अमल है। हमारा वक्त इसमें लगे, अब समझ में किसमें लगेंगे? 8 इस्तेमाई अमल कौन से हैं? एक तो सफर है, सफर सारे साथी साथ में सफर करेंगे, एक खाना पीना है, एक सोना है, कितने हुए बोलो मेरे साथ? 3 हुए। और 5 मस्जिद के अंदर के हैं, एक हमारा मशवरा, मशवरा हमारा इस्तेमाई अमल है और हमारी तालीम इस्तेमाई अमल है। अब समझ में, हमारा गश्त उमूमी इस्तेमाई अमल है, हर नमाज के बाद का बयान इस्तेमाई अमल है, और 5 फर्द नमाज बाजमात इस्तेमाई अमल है, नवाफिल नमाज इनफिरादी के, यू करके 8 अमल हुए अल्लाह के रास्ते में। ये 16 अमाल है, 16 अमाल। अभी पूरा दिन 16 अमाल को पूरा करे, रात को सोने का वक्त आए तो आदमी मुहासबा करे कि मेरे 16 अमाल इनफिरादी इस्तेमाई पूरे किए कि नहीं किए। अगर पूरे नहीं हुए तो आदमी पूरा करने की कोशिश करे, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करे और आइंदा इरादा करे, इंशाल्लाह कल मैं 16 अमाल करके बिस्तर बिछाऊंगा। 8 इस्तेमाई अमल है, 8 इनफिरादी अमल है। इनफिरादी अमल में फजाले अमाल का मुताला भी है, नवाफिल की पाबंदी है, कुरान की तिलावत है, जिक्र दुआ है, रोजाना नया नया सबक सीखना इनफिरादी अमल है। तो 3 बातों का मशवरा करेंगे, इसके बाद हमारे मशवरे की उम्र तय करेंगे और फौरन क्या करेंगे, पहले दिन हम अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में हम 5 गश्त करने रोजाना, 4 काम करने, 4 काम ज्यादा उसमें दावत के काम में, हमें पहला दावत में 5 गश्त करने हैं। अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में हमारा वक्त दावत में खूब लगे और दावत में वक्त लगने के 5 जराए 5 गश्त हैं। पहला, जैसे हमारी जमात मशवरा कर ले, एक जब भी हमको मस्जिद बदलनी हो या बस्ती बदलनी हो तो 2 साथी तय कर ले खुशी गश्त के लिए, 2 साथी खुशी गश्त करेंगे। खुशी गश्त किसमें करना है आपको सब पता है, 3 तबकों में करेंगे। पहला तबका तो उलमाए किराम का है, अगर हमारी जमात जहां पहुंची है मस्जिद के इमाम साहब है, उलमा है, बड़े अकाबिर हैं, उनके औकात की रियायत करते उनके पास जाएंगे और जाकर क्या करेंगे? तश्किल करेंगे। क्या करेंगे? तश्किल करेंगे। तो सुनते रहते मैं बोलता हूँ इस तरह, क्योंकि मैं मुदरिस हूँ, जो टीचर वो बच्चों को कैसे पढ़ाता है कि बच्चे सुनते कि नहीं सुनते, तो टीचर थोड़ा यूं बोलता है, आई बात समझ में? हाँ, तो मैं चूंकि मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी बात सुनते हैं कि खाली हूँ चल रही है। हाँ, क्या करना है? उलमा किराम की खिदमत में हाजिरी देकर उलमा से दुआ की दरख्वास्त करनी है। क्या करेंगे? दुआ की दरख्वास्त। हमारे पास अल्लाह ने इतर दिया है तो उलमा को इतर हदीये में दे, मिसवाक हदीये में दे, रुमाल हदीये में दे अगर हो तो, न हो तो उलमा की खिदमत में दुआ की जर्रा बराबर तश्किल की नियत हो। लोग कहेंगे हमारे इमाम साहब की तश्किल करो, कहेंगे आपको हम इमाम साहब की तश्किल करने हम नहीं आए, हम तो अपनी जात की तश्किल करने आए, हमारी जात की, किसी के कहने पर इमाम साहब की तश्किल हम नहीं करेंगे। अगर वो हमारी जमात में उलमा है तो उलमा से मुजाकरा करेंगे, कदम कदम पर नियत को तस्दीद करनी है। मैं तो अपनी जात को बनाने अल्लाह के रास्ते में चला हूं, नियतों की तस्दीद जरूरी है, नियतों को बार बार बनाना। उलमा इकराम के पास अगर क्या करेंगे, अगर उनके पास वक्त हो ना, अगर तुम्हारी बात बराबर सुन रहे तो थोड़ी कारगुजारी सुनाएंगे। हदक हमारी जमात अल्लाह के रास्ते में आई, इन किन मस्जिदों में हमने काम किया, माशाल्लाह 3 जमात अल्लाह के रास्ते में, 4 मनु की रवाना हुई, चिल्ली की हुई, बहुत से लोग नमाजी बने माशाल्लाह। और हम जब पहली मरतबा आए तो एक सफ थी, अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने मेहनत की, फजर में 2 सफे हो गई। कारगुजारी सुनावे जब उनके पास वक्त हो, तो वक्त न हो तो वहां जावे और उनसे दुआ की दरखास्त करे, हमारी जमात के लिए दुआ करे। अल्लाह पाक हमें सीखना, पहले जितनी जमात अल्लाह के रास्ते में निकलती थी ना, ये जमातें बुजुर्गों की हिदायत पर अमल करती थी, तो जमातें बन के आती थी। आज तो हमारी नीयत सबकी तश्किलों की है, तबकि हमारे बुजुर्ग फरमाते थे तुम्हारी जमात जब खाना बना खाना तो मस्जिद के इमाम साहब मोजिन साहब को शरीक कर ले, हमारी जमात के 2 साथी हैं। हमारे दोपहर के खाने के अंदर भी और शाम के खाने के अंदर भी हमारे मस्जिद के इमाम साहब भी हमारे साथ हो और मोजिन साहब भी हमारे साथ हो। जिस जमात को इमाम और मोजिन साथ दे उस मस्जिद में काम ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा काम होगा, उनका ताउन उनकी ताईद चाहिए। कलमौला इब्राहिम साहब उलमाए किराम ने सुनाया, हमारी जमात गई जॉर्डन, हजरत मौला इब्राहिम साहब दामत बरकात की जमात उर्दुन में गई, उर्दुन में नया नया काम, जॉर्डन में अरब मुल्क है,
जब हमारी जमात गई तो सब लोग हमको देखते थे कौन आए हैं, गली में घूमते गए, अल्लाह की बड़ाई बोलते गए, जमात का मुतातारुफ नहीं था। तो जब एक बहुत बड़े वहां थे मुफ्ती काजी, काजी जो शरई कजा होता ना दारुल कजा, ये दारुल कजा के बड़े मुफ्ती थे जो वहां के शरई फैसले करते थे, मदीना मुनव्वरा से फारिग थे। उनके पास हम गए दुआ की दरख्वास्त करने के लिए, और हम वहां बैठे हुए थे और जॉर्डन के पुलिस अफसर का हजरत पर फोन आया, हमारी जमात वहां बैठी थी, और कहा हजरत एक राय लेने के लिए फोन किया, क्या कि हिंदुस्तान से कुछ लोग आए अजीब अजीब किस्म के लगते गए, गली गली में घूमते गए, तो उनके बारे में क्या करें, उनको वापस अपने मुल्क में भेज देवे या उनको चलावे। और ये मदीने के जो थे वो जॉर्डन के जो मुफ्ती थे और मदीना मुनव्वरा में जमात के शहर के बड़े कादी ने जमात का तारुफ कराया, उलमा की खिदमत में जमात के फायदा हुआ। हाँ उलाई रब्बा है, तो ये तो अल्लाह के वलियों की जमात है, उनको चलने दो, उनके घूमने दो, मुल्क के हालात बदलेंगे। फरमाते आज के बाद कभी जॉर्डन में कभी जमात पर हालात नहीं आए, उलमा की खिदमत में हमारे साथ ही जावे। और दूसरा किसकी मुलाकात करेंगे हम उसी गश में, चौधरी किस्म के लोग, आजकल तो घर घर में चौधरी है, तो किसको चौधरी मानने का, वे गांव का कोई सरपंच है, गांव का कोई बड़ा है, बल्कि नौजवानों का भी लीडर होता है, ये भी चौधरी है। गांव में होते ना कुछ ऐसे जवान होते हैं जिन जवानों के नीचे 100-100 के जवान अंडर होते हैं, उन तो उसकी मुलाकात करें, अगर वो तुम्हारे साथ में आ गया तो सारे 100 जवानों को लेकर आएगा। हर ग्रुप का एक लीडर होता है, हम तहकीक करें यहाँ का लीडर कौन है, ये सरपंच की मुलाकात करे। होते ना बाद लोग होते हैं जो यू करके बैठते पैर ऊंचा करके, ये भी चौधरी है, ऐसा समझ में। ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जिनका बस्ती में मकाम है, उसको बोलेंगे चौधरी किस्म के लोग, कि उनकी बात का वजन है गांव में। होता है ना जब गांव में कोई झगड़ा होता है तो वो आते तो झगड़ा खत्म हो जाता है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं। ऐसे लोगों से मुलाकात करके यूं कह देखो भाई आप तो कितने कीमती आदमी हैं, पूरे गांव पर आपका असर, पूरे गांव पर आपका वजन, लोग आपके इशारों पर चलते हैं, आप हमारी जमात का साथ दोगे इंशाल्लाह तो आपके आधा घंटा एक घंटा हमारी जमात को साथ देने से कितने नौजवानों की जिंदगी बदलने का जरिया आप बन जाओगे। उनके सामने अल्लाह की बड़ाई को बोलकर उनको करीब करें, करेंगे इंशाल्लाह। और तीसरा खुशी गश्त में जाएंगे मस्जिद के दावत के साथियों के पास, तो मस्जिद जमात के साथी के पुराने साथी उनके पास जाकर कहेंगे देखो भाई हमारी जमात जिन फिक्रों को लेकर आई है और हम तो बिल्कुल फारिग हैं, और बस्ती में जो जो भी माहौल बना है, लोग नमाजी बनेंगे, उलमा बनेंगे, हुफ्फाज बनेंगे, ये आपके रातों का रोना और आपकी कुर्बानियों का नतीजा है। अगर हमारी जमात तुम्हारी बस्ती में आई है, अगर थोड़ा सा हमारी जमात का अगर आप साथ दे देंगे इंशाल्लाह तो हमारी जमात की बरकत से काम हो जाएगा। भाई क्या है, क्या है भाई, तो जाओ ना हमारी जमात को साथ मिल जाएगा। तो यूं करके उनको करीब कर, उनको ताना ना दे। हम कभी मकामी साधे उलझे आपको साथ देते नहीं हमारी जमात का, ऐसा ना कहे, बस भाई उनको तरगीब माशाल्लाह हम तो बिल्कुल फारिग है, आप थोड़ा एक घंटा दो घंटा फारिग करेंगे बस्ती में नमाजी बढ़ जाएंगे और एक जमात नकद निकल जाएगी आपके थोड़े ताउन से। यूं करके हम खुशी गश्त करेंगे जब बस्ती बदलनी हो और जब हमें कोई गांव बदलना हो। हमारे दावत में 5 गश्त है, तालीम के हल्के में तालीमी गश्त करेंगे, अल्लाह के रास्ते के निकलने के ज़माने में हमें रोज़ाना तालीम करनी है। सुबह में 2.5 घंटा तालीम हो गई, शाम को 1.5 घंटा तालीम हो गई, 3-4 घंटा हमारी तालीम हो। तालीम तरबियत का अमल है, मरा मंजूर अमन से फरमाते थे तालीम इस तरीके पर सुने तालीम जिस तरह बीमार डॉक्टर की बात को सुनता है। जमात में सबसे ज्यादा तालीम का बोझ पड़ता है, क्या पड़ता है बोझ, मेरे हमारे साथी कह रहा था मौना अल्लाह के रास्ते के निकलने के ज़माने में खाने से बढ़कर कोई मज़ा नहीं, क्या कह रहा था, खाने से बढ़कर और तालीम से बढ़कर कोई सजा नहीं, जहां सजा है वहां तरबियत है, जहां सजा है वहां क्या है, तरबियत है। फिर यूं कहता था मौना अपनी जमात में 2 तरह के लोग हैं, कुछ कुर्बानी वाले हैं, कुछ बिरयानी वाले हैं, जो बिस्तर बिछाते हो बिरयानी वाले हैं, जो मुलाकातों में घूमते हो कुर्बानी वाले हैं, कुर्बानी वालों का दिल बनता है, बिरयानी वालों का जिस्म बनता है। हम क्या बनाने निकले अल्लाह के रास्ते में, दिल बनाने निकले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक वसल्लम ने अपनी मेहनत का मैदान सहाबा किराम का दिल बनाया, सहाबा का जिस्म नहीं बनाया, सहाबा किराम का जिस्म न बनाया। कातन कर बुजुर्ग ने कि नमाजों को अच्छा पढ़ने के लिए अपने पेट और अपने पेट को छोटा करो, बोझ कम करो, पेट बढ़ेगा तो उलमा भी कह रहा था पेट बढ़ेगा तो नमाज कैसे अच्छी होगी, रुको अच्छा होगा कि पेट बढ़ गया, अब रुको अच्छा नहीं होता, सद्दा अच्छा नहीं होता,
इसलिए एक मरतबा जमात सहारनपुर पहुंची, अरब की जमात, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल आमाल जिन्होंने लिखे वो बैठे हुए थे, और एक अरब ने खाने के आदाब सुनाए। खाना के आदाब पूरे होने के बाद हजरत सारे के सारे आदाब आ गए, एक अदब बाकी है। ये कौन सा अदब? कि कम खाना भी सुन्नत है, कम खाना भी सुन्नत है। इसलिए हमारी जमात तालीम में जम के बैठे, मौलाना मंजूर रहमान से फरमाते थे तालीम इस तरीके पर सुने जिस तरह बीमार डॉक्टर की बात को सुनता है। भाई बीमार जब डॉक्टर की बात को सुनता है ना, किस तरह सुनता है? उसको पता है कि मैं डॉक्टर की बात को सुनूंगा तो मेरे जिस्म में शिफा मिलेगी। बल्कि डॉक्टर मेडिकल में लिखता है गोलियां, तो मेडिकल वाला गोलियां देने के बाद फिर डॉक्टर को फिर जाके पूछा साहिब गोली कब पीने की, खाने के पहले की है खाने के बाद की है? ये फजाइल आमाल की किताब बड़ी मेहनत से लिखी गई है, हजारों लाखों इंसानों की जिंदगी के बदलने का जरिया ये किताब फजाइल आमाल बनी है। अपने इनफरादी अमल में फजाइल आमाल का मुताला करें और इज्तिमाई अमल फजाइल आमाल की तालीम करें। सहाबा के वाकयात है, अल्लाह के नबी की जिंदगियां हैं, नमाज के पढ़ने पर क्या मिलेगा, ज़कात के देने पर क्या मिलेगा, कुरान की तिलावत पर क्या मिलेगा? सहाबा के वाकयात, ताबईन के वाकयात, अल्लाह के नबी की बेटियों के वाकयात, रहमी रिश्तेदारों के फजाइल और मौत की तैयारी और फजाइल सदकात के आखिरी 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 सफात के अंदर तो अल्लाह वालों के हज के वाकयात बयान किए हैं, जिससे हमारा ईमान ताज़ा होता है। इस किताब को घंटू घंटू सुने तलब के साथ। हमने अरब जमातों को देखा, अरब जमात के साथी अत्तहियात की शक्ल में घंटों घंटों तालीम को सुनते हैं। ये तरबियत का अमल अल्लाह के रास्ते में। तालीम थोड़ी देर हमारी तालीम होगी, तालीम के पहले हमारा कुरान हल्का लगेगा, और कुरान हल्के में सिर्फ दस सूरतों का दौर न करें। अब 10 सूरतों का दौर होगा साथी बैठ गए, बल्कि तालीम के हल्के में हम 10 सूरतें याद हो गई है तो 11वीं याद करें, 12वीं याद करें। अभी कहा मौलाना ने इतना कुरान करीम का सही करना फर्ज है, जो नमाज में पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ा जाता है। लोगों ने 5-5 पारे हिफ्ज किए, जमात में निकलकर कुरान सही किया, नूरानी कायदे पढ़े। जो बेरून की जमात की कारगुजारी आई थी ना सरखेज में, हमारी पूरी जमात ने 4 पारे हिफ्ज किए, साथी पुराने थे, और कहा हमने नूरानी कायदे का इम्तिहान दिया आखिरी दिन में, और सारे साथी कामयाब हो गए, पास हो गए सबके 50 नंबर। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हमारी जमातें सीखने सिखाने में कुरान को सीखे कुरान। अगर हमारी जमात में उलमा है, उलमा नूरानी कायदा पढ़े, अलीफ बाता से शुरू करें, इतना कुरान सही करना फर्ज है, जो नमाज़ें पढ़ा जाता है। और फिर इसके बाद हम तालीम का हल्का लगाएंगे, सारी किताबों से निशान लगा कर दोनों हमारे यहाँ क्या हो गए, सुबह की तालीम फजाइल आमाल, शाम की तालीम फजाइल सदका। दो भी हारून रशीद का वाकया, किसका? हारून रशीद का वाकया 1.5 घंटे में पूरा। ऐसी कोई तरतीब नहीं है, फजाइल सदका सुबह ही पढ़ सकते हैं, फजाइल आमाल शाम को ही पढ़ सकते हैं, हर किताब में थोड़ा थोड़ा पढ़े और निशानात लगा के पढ़े। तालीम करने वाला साथी तालीम को समझ के तालीम करे, सीखने वाले को तालीम न देवे, वो सीखने का अमल नहीं है, वो इनफरादी है। वही लोग तालीम करेंगे जिनको किताब पढ़नी आती हो और हदीस को 3 बार पढ़े, फायदे को 1 बार पढ़े, तालीम में मुंह पे जबानी बात न करे, मुश्किल अल्फाज के तर्जमे बता दे, तकरीर न करे। हमारी बातों में नूर नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों में नूर है, करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में 6 सिफात के मोटे मोटे मुजाकरे करें, हर साथी के सामने ईमान की हवियत, ईमान की फजीलत बुलावे, करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला गश्त कौन सा करना है? खुसूजी गश्त। और तालीम के दौरान तालीमी गश्त करें। तालीमी गश्त किस पे करेंगे? बहुत से लोग बस्तियों में होते हैं जो नवरे होते हैं, नवरे समझते हो मेरी जबान में, जो लोग फ्री होते हैं। तालीमी गश्त में जॉब करने वालों को, दुकान पर बैठने वालों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि जो लोग चाय पीते हैं, पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नवरा अरबी जुमला है, ये तो गुजराती में नवरा है। अरबी में नवरा का माना होता है चूना। क्या होता है? जो नवरा होता है वो सबको चूना लगाता है। क्या करता है? इसको फरमाते हद फरमा करते थे कि बेकारी तो गुनाहों का दरवाजा खुलती है, बेकारी तो गुनाहों का दरवाजा खुलती है। जैसे उन लोगों के सामने अल्लाह की बड़ाई को बोलकर अल्लाह कितना बड़ा है, ईमान के फजाइल सुनावे, ईमान कितना बड़ा, ईमान वाला कितना बड़ा, ईमान वाले का वक्त कितना बड़ा। आप थोड़ा मस्जिद में आवे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो रही है, यूं करके कोई मस्जिद में लावे। तालीमी गश्त हमारा बराबर चलता रहे। हमारी जमात तालीमी गश्त सिर्फ 1 बार करती है, 1 बार न करे, इस मोहल्ले में भेजा, उस मोहल्ले में भेजा, बल्कि 10-10 मिनट पर हमारे साथी तालीमी गश्त करते रहे। और आखिर में 6 सिफात का मोटा मुजाकरा करें। आई बात समझ में? तालीमी। और फिर हम किसी भी नमाज के बाद हमारा उमूमी गश्त करें। बस्ती में जहाँ मुसलमानों के मिलने की उम्मीद हो कि इतने वक्त में मुसलमानों की मुलाकात ज़्यादा होगी, कभी असर के बाद कुछ लोग मिलते हैं, मगरिबा तो मगरिबा वक्त फारी करें, अपनी सहूलत के लिए उम्मीद गश्त को तय न करें।
अब लोगों के मिलने का वक्त मगरिब की नमाज के बाद और हमने असर के बाद गश्त कर लिया तो बस्ती वालों को क्या नफा हुआ, ये तो रस्म हुई। हज़रत फरमाते थे जिस अमल में हकीकत ख़त्म हो जाती है और अमल रस्म पर आ जाता है उस अमल का कोई एतबार नहीं होता। अमल की शक्लें हकीकत में तब्दील हो जाए, गश्त एक अमल है, इस अमल में हकीकत कब आएगी जब बस्ती वालों को गश्त के जरिए नफ़ा होगा। यह अमल गश्त हमारा इज्तिमाई अमल है। और चौथा, हर नमाज के बाद हमारा इंशाल्लाह बयान होगा, तो बयान जो भी करें हम बयान तो छह सिफात के अंदर बयान करें, ईमान बोले, नमाज बोले, इल्म जिक्र बोले। तो मौलाना का बयान किस पर था? इल्म जिक्र पर था। किस पर था? फिर इल्म जिक्र के बाद ईमान पर, नमाज पर बात फरमाई। मोटी मोटी बात है, किसी की नकल ना उतारे। किसी ने मौलाना तारिक जमील साहब की नकल उतारी, मौलाना उमर साहब पालमपुरी की नकल उतारी, हम नकल ना उतारे, हम तो अपनी जबान के छह सिफात की मोटी मोटी बात करें। ईशा के बाद हमारी 25 मिनट आधा घंटा बात हो, और बात होने के बाद 4 महीनों की हल्की हल्की तश्कील हो, और चिल्ले की हल्की हल्की तश्कील हो, 3 दिन की जंग के तश्कील हो, इसके बाद 5 काम के मुजाकरात करके फिर बात खत्म करें। और जो साथी खड़ा हो बात करने वाला, वो मजमे को जबान से ना जोड़े, वो खड़ा हो जावे और हमारी जमात मस्जिद में सब जगह नमाज पढ़े और साथियों को करीब करे, इत्मीनान से नमाज को मुकम्मल होने के बाद साथी जुड़े, जल्दबाजी ना करें। है बात समझ में? इसे हमारा रोजाना इसमें अमूमी गश्त होगा, और बयान के बाद फिर तश्कील होगी, और तश्कील में जो भी नाम आवे, और आपने जो मकाना तकसीम किए, मकाना तकसीम करके जो आपने तश्कील गश्त किया है, और आपने 50-50 मकान 200 मकान तकसीम किए हैं, जो जो नाम आवे, नाम उनको बोलते हैं तश्कीली गश्त। ये रोजाना हमें करने हैं, सारे नामों को जमा करना है, और जमा करने के बाद 5वां गश्त होगा हमारा, वसूली गश्त होगा, इनकी वसूली करके, बिस्तर वसूली करके, पैसे वसूल करके, हमारे जमात के साथ उनके सामने हिदायत की बात करके जमातों को हमारे हाथ से रवाना करें। ये अल्लाह के रास्ते में जाकर 5 गश्त करने हैं। करोगे इंशाल्लाह? कौन कौन करेगा? और क्या बोलेंगे? अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईमान के फायदे, ईमान के फल, अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे। और अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में दूसरा अमल के हमारा वक्त जिक्र इबादत में लगे, 24 घंटे की जिंदगी हमारी जिक्र वाली बने। ये तस्बीहात का पढ़ना जिक्र का जुज है। 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह की याद वाली हो, और इताअत करने वाला जाकिर है। खाना पकाते पकाते भी अल्लाह का जिक्र हो, खाना खाते खाते भी अल्लाह का जिक्र हो, रात को सोते सोते भी अल्लाह का जिक्र हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हमारी वो जिंदगी बने कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर वो कैफियत न बने तो मेरा अल्लाह मेरे हर अमलों को देख रहा है। 24 घंटे की जिंदगी मेरे अल्लाह के सामने है, इन इस्तेहजार के साथ हमारी इबादत हो रही हो। है बात समझ में? और फिर जिक्र की मश्क है ना, ये फजर के बाद की 3 तस्बीहात की पाबंदी है। तीसरा कलमा है सुभान अल्लाह, कितना बड़ा कलमा, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक सुभान अल्लाह कहने के सवाब हद पहाड़ के बराबर है, अलहमद कहने के सवाब हद पहाड़ कहने के बराबर है। अल्लाह ने जमीन को चटिल मैदान बनाया है, जब बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है अल्लाह दरख्तों को उगा देता है। हमारे तमाम के तमाम साथी जिक्र अस्कार में अपना वक्त लगा दें। तीसरा कलमा सुबह में 100 बार, शाम को 100 बार, किबला की तरफ मुंह करके। देखो हर चीज के उसूल होते हैं। ये होते हैं जो बॉडी क्या कहते हैं, वो जिम में जाते हैं, जिम में तो जिम में तुम्हारे कपड़े ही होते हैं, जिम के कपड़े अलग होते हैं, जिम के बूट अलग होते हैं, कि वहां के कवानीन पर तुम अमल करते हो, कि तुमको तुम्हारी बॉडी बनानी है, तुम्हारे बदन को तंदुरुस्त बनाना है। तो यहाँ भी उसके उसूल है कि किबला की तरफ मुंह करके जिक्र करें। फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक मिलेगा। मतलब रहमान साहब हमारे रवियाना वाले एक मलफूज मोहल्लासा का बार बार अपने बयान में सुनाते हैं कि जो अल्लाह का बंदा फजर के बाद, मगरी असर के बाद 3 तस्बीहात की पाबंदी से करेगा 3 साल तक, अल्लाह पाक उसको विलायत जरूर देगा क़िबला की तरफ मुंह करके, मालिक इस्तेज़ार के साथ। और दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ अल्लाह के नबी की कुर्बानियां सामने हो, अल्लाह के नबी के एहसानात सामने हो, और अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़े। अल्लाह के नबी की अजमत हमारे दिल में आ रही हो दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते, कि मेरे नबी के क्या एहसानात मुझ पर है, मेरे नबी की क्या कुर्बानियां है। और नंबर 3 इस्तिगफार पर इस्तिगफार, हमारी जबान पर भी इस्तिगफार हो और हमारे दिल में भी इस्तिगफार हो। एक एक गुनाह को सोच के, ए अल्लाह मैं तो ये गुनाह किया, ए अल्लाह मेरे ये गुनाह किया, गुनाह करते करते गुनाह को याद करके आंखों में आंसू बहाकर इस्तिगफार की तस्बीह पढ़े। हदीस पाक में है जो इस्तिगफार की पाबंदी करेगा अल्लाह उसको हर तंगी से निकालेगा। मन लज़ी मल इस्तिगफार जअलल्लाहु मिन कुल्ली ज़िक्रिन मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इसी जगह से रोजी देगा कि इंसान को पता नहीं होगा। इस्तिगफार की पाबंदी, मकाम पर रहने वाले भी इस्तिगफार करें। अज़ा अबू हुरैरा दिन में 18,000 बार इस्तिगफार किया करते थे,
और ये फरमाते तो मेरे गुनाहों का कर्जा है। कौन हजरत अबू हुरैरा से किबला की तरफ मुंह करके, असर बद हमारा गश्त का वक्त है, इस्तिमाए अमल है, तो रात को सोने के पहले अपनी तस्बीहात को पूरी कर लेवे। लेकिन रात को सोने के पहले हमारी इनफिरादी अमाल और हमारे इस्तिमाए अमल 16 अमल हमारे पूरे हो जाए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी बाजमात हो फर्ज की, और फर्ज नमाज की पाबंदी के अलावा सुन्नतों की पाबंदी हो। हम ईशा की नमाज मुकम्मल पढ़े, मगरिब की नमाज मुकम्मल पढ़े, सुन्नतों की नवाफिल और असर की मुकम्मल पढ़े, जोहर की मुकम्मल पढ़े। बल्कि मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं, वरना कभी क्या होगा, चक्की के पार की तरह होगा, चक्की चलती रहेगी, चू चू की आवाज आएगी, कि फायदा कोई नहीं, अल्लाह के रास्ते में निकलना, सिर्फ निकलना मकसूद नहीं है, निकलने से मकसूद जिंदगी में दीन आना है, कि फराइज की पाबंदी हो और नवाफिल की कसरत बढ़े। अल्लाह मौका दे तहज्जुद की पाबंदी करे, अल्लाह मौका दे इशराक की पाबंदी करे, चास की नमाजें पढ़े। और अगर हमारी नमाजें छूटी हुई हैं आगे अंदाजे के मुताबिक, कि मैं 14-15 साल में बालिग हो चुका था, मेरी 23 साल की उम्र हो गई, आज तक मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, इन नमाजों का हिसाब लगाकर पहले नमाजों की कजा करे, तोबा करोगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज के छोड़ने का गुना तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन नमाजें माफ नहीं होगी, ज़कात माफ नहीं होगी। हाँ, छोड़ने का गुना अल्लाह माफ करेगा तौबा की बरकत से, लेकिन नमाजें पढ़नी पड़ेगी। अंदाजा लगाकर सारी नमाजों को जमा करके रोजाना उम्र कजा करे। लोगों ने 30-30 साल की नमाजें उम्र कजा की है, और अपने 20-20 साल 40-40 साल के मालों की ज़कातें निकाली है। अफ्रीका के लोग निजामुद्दीन के अंदर आए, अल्लाह के रास्ते में जमाते निकली साउथ अफ्रीका के लोग, और 20 साल के अपने मालों का हिसाब लगाकर 20 सालों की ज़कात निकाली। एक अरब थे हमारे साथ जमाते मराकश के, अल्लाह के रास्ते में, तो मुझे कहा तारीम कल के बैठने के बाद, मौलाना मेरे से गलती हो चुकी है। मैंने कहा क्या हुआ है, कि एक बार मैं अपने मुल्क में ट्रेन में मुफ्त टिकट पर सवार हो गया था। हमारे बहुत से लोग सवार हो जाते हैं मुफ्त टिकट में, बगैर टिकट के सवार हो गया। अब अल्लाह के रास्ते में मैंने सुना किताब की तालीम में, कल कयामत के मैदान में बगैर सिंह वाली बकरी को सिंह वाली बकरी से बदला लिया जाएगा। जब जानवरों का बदला होगा तो हमारा क्या होगा, मुझे बहुत डर है, मुझे उसके मसले का हल बताओ, मुझे बहुत बोझ है। तो मैंने बताया, भाई कोई घबराने की बात नहीं, आप अल्लाह से तौबा करें, अपने मुल्क में जाने के बाद जहां से आपने सफर किया था वहां की टिकट ले लें। बतौर मिसाल के बम्बे से दिल्ली का सफर करना था, एक मिसाल है, तो आप बम्बे से दिल्ली की टिकट लेवे और टिकट लेकर टिकट को फाड़ देवे, सफर न करे तो सरकार को पैसे मिल जाएंगे। जब ये बताया तो इतना खुश हुआ कि मेरे ऊपर सर का बोझ उतर चुका, बात समझ रहे ना। तो अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में बातों का ख्याल करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो, उम्र कजा करे, उम्र कजा हो चुकी हो तो नवाफिल का एहतमाम करें, मस्तून दुआओं का एहतमाम, मौका महल की दुआएं याद करे, याद न हो तो रोजाना दुआएं सीखे। मरा वसूला तब इलाहाबाद फरमा करते थे, ये सारी की सारी दुआएं हमारी आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए है। पढ़ेंगे भाई, तुम पानी पिलाओ मुझे। सारी की सारी दुआएं मुसीबतों से बचने के लिए है, कौन कौन याद करेगा, मौका महल की दुआएं। मौका महल की दुआओं का एहतमाम करे, कौन कौन करेगा, और कुरान करीम की तिलावत करे। सबसे बड़ा जिक्र कुरान करीम की तिलावत, कम से कम हमारा एक पारा पढ़ने का मामूल हो। जिनको बिल्कुल कुरान करीम पढ़ते नहीं आता वो सारे कुरान करीम को सीखे। मैं देखो मेरी तरफ, आप सुनते थक जाते, मैं आपको एक एक अमल बता रहा हूँ, हालांकि वक्त नहीं है ताकि आप इसको बराबर सुनो। सुबह की रवानगी में पूरी बातें नहीं आई क्योंकि वक्त कम होता है बुजुर्गों के पास। हाँ, कम से कम एक बार आप कुरान की तिलावत करें। जिनको बिल्कुल कुरान करीम नहीं आता वो कुरान करीम को सीखे, कुरान करीम को लेकर कुरान करीम को चूमे, अल्लाह मुझे कुरान नहीं आता, कुरान सीखने की कोशिश करे। अगर नमाज में दुआए कुरूत नहीं आती, दुआए कुरूत की जगह पर क्या पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जब तक दुआए कुरूत ना आवे इसको पढ़ते रहे और दुआए कुरूत सीखते रहे। अगर रब्बना आतिना भी ना आवे तो 3 बार पढ़े, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, नमाज हो जाएगी। बहुत समझवा जमात पैसा होगा जिनको नमाज ही नहीं आती। ये तबलीग का काम अल्लाह ने ऐसा काम दिया है, कितने लोगों की नमाजें जिंदा हुई, कुरान जिंदा हुआ, कितने लोग हाफिज़ कुरान बन गए। तो रोजाना जो हाफिज़ कुरान जमात में गए वो तो 3 पारे उनका यौमिया मामूल हो, और जो उलमा गए पढ़े लिखे साथी गए वो कम से कम एक पारा पढ़े, एक पारा न पढ़ सके तो आधा पारा पढ़े, पाओ पारा रोजाना कुरान खोले। और हमारा तीसरा वक्त किस में लगेगा, सीखने सिखाने में लगेगा।
सिखाने वाले के बड़े फजाइल है, सीखने वाले के बड़े फजाइल है। सिखाने वाला सिखावे कि मैं अपने भाई को सिखाऊं, और सीखने वाला तलब से सीखे, दुआएं सीखे, नमाज सीखे, नमाज का तरीका सीखे, जिंदगी गुजारने का तरीका सीखे, बच्चों से कैसे रहना है, बीवी से कैसे रहना है, साथियों से कैसे रहना है, छह सिफात कैसे बोलने हैं, ऐलान कैसे रहना है, जिंदगी गुजारने का हर तरीका साथ सिखाने वालों से सीखे और सिखाने वाला सिखावे। हर साथी को सीखना है। वफ़ाऊ का कुल इल्मिन अलीम, हर आलिम के ऊपर बड़ा आलिम है। हमने गुजराती में जब पढ़ता, मैं दो पढ़ता, दूसरी एक पाठ था शेरना माथे सवा शेर, एक पाठ पढ़ा था क्या, शेरना माथे सवा शेर। हर आलिम के ऊपर एक बहुत बड़ा आलिम होता है, हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला होता है। हर एक को सीखने की जरूरत है, जो हमें ना सीखे। कुरान में हुक्म है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम बातों को जानते नहीं हो तो, अहले इल्म से पूछो। हमारा वक्त सीखने सिखाने में लगेगा, और चौथा वक्त हमारा बात पूरी करने का वक्त आ चुका, घबराओ नहीं, और चौथा वक्त हमारा खिदमत में लगेगा। क्या लगेगा? हमारा वक्त अल्लाह के खिदमत में। खिदमत में बहुत बातें हैं, अमीर की खिदमत करना है, क्या करना है, पैर दबाने, ये कभी दबा भी लेना, लेकिन साथ ही कभी जिस्म की खिदमत ना ले, जितना हो सके अपने जिस्म को बचावे। हाँ, आपको साथी माजूर जमात में बेचारा, तो बेटा हो तो बेटे से खिदमत ले, साथ में बेटा है, साथ में भाई है, तो सर की मालिश। लेकिन ऐसा नहीं, अब मैं जमात में आओ तो मालिश, घर पर कोई मालिश नहीं करता, जमात में मालिश कर रहा है। एक जमात अल्लाह के रास्ते में गई, तो अल्लाह के रास्ते में निकलने को अमीर साहब ने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक मंगवाए, कोल्ड ड्रिंक सेवन अप। अब हर खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक आ रही है। गरीब आदमी था, घर पर गया तो जमात में से आया तो बच्चे बीवी सब इस्तकबाल में आ गए। तो खाना खाने के बाद कहा बेटा, ए बेटा ये क्या हुआ अब्बा जान, क्या जा सेवन अप लिया? तो घर वाले समझे बेचारे को जमात पे गया होगा, 40 दिन दाल खाई होगी तो गैस हो गया होगा, इसलिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। दूसरा दिन हुआ, सुबह रास्ते के बाद का बेटा कोल्ड ड्रिंक लिया, तभी गैस उतरा नहीं होगा, पहला दिन है, फिर सेवन अप पी, दोपहर का खाना खाया कि बेटा कोल्ड ड्रिंक लिया। वो सोचा ये क्या है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मेरा तो दिन का 30 रुपया खर्चा है, 30 रुपया रोजाना मेरे घर पर खाना पकता है। अमीर साहब के पास गया, अमीर साहब क्या हुआ है, तुम तो मेरे शोहर को बिगाड़ के लाए हो। बात समझ में आ रही है? अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में आदमी चीजों से बचे। हाँ, अपना वक्त खिदमत में, अमीर की खिदमत। अमीर की खिदमत का मतलब क्या? अमीर जिन फिक्रों को लेकर जमात में चला गए, साथ ही फिक्रों में अमीर का साथ दे, ये अमीर की खिदमत है। अमीर चाहता है जमात यहां से नकद निकले, अमीर साहब हम तैयार है, जिस वक्त कहेंगे दरिया में गोता लगाने का गोता लगा देंगे। एक साथ हमारे जमात में गया कि मौला में तो घर जाकर तबलीग घर घर में घुसा दूंगा वापसी में। क्या कहता है? वो जज्बाती होते ना, जज्बाती, घर घर जाकर तबलीग घुसा दूंगा। मैंने कहा भाई पहले अपने दिल में घुसा, दिल में घुसेगी तो घर घर में जाएगी, जो बात दिल में जाएगी वो अमल में आएगी। नियत अपनी जात की करने की है कि मैं अपनी जात में अल्लाह का दीन आवे। उलमा ने लिखा है शहादत के बाद सबसे बड़ा दर्जा खिदमत का है, और खिदमत से बढ़कर कोई अमल नहीं। खिदमत, अमीर की खिदमत और साथियों की खिदमत, छोटों की खिदमत करोगे तवाज़ु आएगी। अल्लाह के रास्ते में जमात निकले, अल्लाह के नबी साथ में थे, तो सहाबा ने हर अमल लिए। आपने फरमाया मैं जंगल में लकड़ियां चुनूंगा, मुश्किल अमल हुजूर ने लिया, मैं जंगल में लकड़ियां चुनूंगा। अल्लाह के नबी सैयदुल अंबिया, वज़्ज़ुहा, ए नबी तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, तेरी सिया ज़ुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरा रब तुझे कैसे छोड़ सकता है, ए मेरे नबी की शान है, लकड़ियां चुन रहा है। खिदमत करे, साथियों की खिदमत। सर्दी के मौसम में गर्म पानी की जरूरत पड़े, मैं तैयार हूं। अच्छा, खुद की खिदमत खुद करे तो क्या होगा, काम सही होगा। अब गए बेटा पानी ला, अब वो पानी गर्म लाया तो गुस्सा आएगा, बद अखलाकी हो जाएगी, तो टुवाल लगा दे मेरा तौलिया, और उसको तुमको लगाना था यहां, उसने लगा दिया वहां, थोड़ा सा मेला होगा, यार तूने कहा लगाया, तो ये तो तुम करते तो होता, अपना काम खुद करते तो ये सब तकलीफें आती, आसान हो जाता। अपना काम खुद करे तो बद अखलाकी जाहिर होती है। और देखो खिदमत, खिदमत में थोड़ा सा इखलास होगा तो भी चलेगा, खिदमत में थोड़ा सा इखलास होगा तो भी, इबादत में पूरा इखलास चाहिए। क्यों? नमाज में पूरा इखलास, तबलीग में पूरा, खिदमत में थोड़ा होगा तो भी चलेगा। क्यों? इबादत का ताल्लुक खालिक से है, खिदमत का ताल्लुक मखलूक से है। खिदमत का ताल्लुक
مخلوق سے ہے, آدھا اخلاص ہوگا تو بھی چلے گا. عبادت پیور اللہ کے لیے ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز بھی, میری قربانی بھی, میرا جینا میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے. کریں گے انشاءاللہ. ایک جماعت اللہ کے راستے میں سے آئی, صحابہ کے سامنے تعریف ہوئی, اللہ کریم بہت بہت اچھی جماعت چلی. اور ہمارے یہ ساتھی کا تو کیا کہنا, وہ بیٹھے ان پہ بیٹھے ان پر بیٹھے بیٹھے کیا کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے ان پر بیٹھے بیٹھے. اور جب نیچے اترتے تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے 24 گھنٹے عبادات میں. تو حضور نے پوچھا ان کا بستر کون اٹھاتا تھا کہ ہم, ان کے جانوروں کو چارہ کون کھلاتا کہ ہم, کہ ان کے جانور کو کون باندھتا تھا کہ ہم. تو میرے نبی نے فرمایا تم تمام کے تمام اس نماز پڑھنے والے سے اچھے ہو. یہاں پہ خدمت کی اہمیت بتائی. ایک جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا, آپ نماز جنازہ پڑھانے آگے نکلے تو حضرت عمر نے روکا, یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے. تو آپ نے پوچھا ارے بھائی کیا کسی نے اس مرنے والے کا کوئی عمل دیکھا ہے, اس مرنے والے کا کوئی عمل کسی نے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہم اللہ کے راستے میں جماعت میں تھے, ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی اور اس وقت رات کو چوکی داری کا, جب جماعت چلتی ہے پیدل پھر خدمت پوچھو کون تیار ہے تو سب نیچا دیکھتے ہیں, کیونکہ سب کو تھکن لگی ہے. اس وقت جو تیار ہو جاوے وہ اصل مجاہد ہے. تو مرنے والے تیار ہو گئے تھے کہ اللہ کے امیر صاحب میں پوری رات جماعت کی چوکی داری کروں گا, پوری جماعت سو جاوے. جنگل میں چوروں کا خطرہ تھا, جانوروں کا خطرہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ صفے بناؤ. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, پھر فرمایا اے مرنے والے تیرے بارے میں کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ تو جہنمی ہے, لیکن تیرا نبی یوں کہہ رہا ہے کہ تو جنتی ہے, کہ تو نے اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت والا عمل کیا ہے. یہ جماعت خدمت کے ساتھ ہی زیادہ ہوتے, وہ خدمت چلتی ہے. بچے کس سے جڑتے ہیں, باپ سے کہ ماں سے؟ بچے کس سے جڑتے ہیں؟ باپ سے جڑتے ہیں کم, کیونکہ ماں بچوں کی خدمت کرتی ہے. جو خدمت کرے گا لوگ اس سے جڑیں گے. اسے دیکھو ہمارے محلے میں کوئی بچہ ہوتا ہے جو خدمت کرتا ہے, اگرچہ غریب سب اس کو محبت سے بلاتے ہیں, سبزی بھی لاتا ہے یہ بھی لاتا ہے, کہ سب کا محبوب خادم بن جاتا ہے, خدمت کرنے والا محبوب. یہاں بھی ہوا اجتماع تو آپ کو لگا کہ تخت پر بیٹھنے والوں کو کتنا مزہ ہوتا ہے اعلان کرنے کا. پھر یہ دیکھو یہ ماشاء اللہ تشکیل کرنے والے ساتھی, سب سے بڑا اجر کون لے گئے, یہ جو کھانے کے زون میں کام کرتے تھے, ان کے کپڑے جا کر دیکھیو, ان کی پیشانی کا پسینہ دیکھیو, پورے مجمع کی فکر کی, پورے مجمع کی. اور جنہوں نے ٹوائلٹوں کے لیے کھڈے کھودے ہیں تاکہ آنے والا مجمع آسانی کے ساتھ ٹوائلٹ کر سکے, اور ہمارے لیے میرے بھائی میدان کو ہموار کیا ہے, آنے والا مجمع راتوں کو سو سکے, ان کو کتنا اجر ملے گا. تکلیف ختم ہو گئی, نیکی باقی رہ گئی. تکلیف کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی, نیکی باقی رہ گئی. تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں خدمت خوب کرے, امیر کی خدمت, نفس کی خدمت, ساتھیوں کی خدمت, بلکہ ہمارا مزاج ہی خادم بن جاوے. آرڈر نہ کرے. آدمی کیا ہوتا ہے, آرڈر کرتا ہے نا, اس کا مزاج سامنے ہوگا پانی کا گلاس تو کہے گا بی بی پانی پلا. ابھی تیرے سامنے گلاس ہے, بی بی بیچاری کپڑے تو بی بی وہاں سے آ کر پانی پلا رہی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شیڈ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی ہمیشہ اپنے کام خود, بلکہ بادشاہ فرماتی ہے اللہ کے نبی اپنے جوتے کا تسمہ خود گاڑتے تھے, بکریوں کا دودھ خود پلاتے تھے, آپ سر سے جوئے خود نکالتے تھے. اللہ کے راستے میں ہمارا وقت دعوت میں لگے گا, ذکر عبادات میں لگے گا, تعلیم و تعلم میں لگے گا, خدمت میں. اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں چار کام بالکل نہیں کرنے. زبان کے سوال سے اپنے آپ کو بچانا ہے, دل کا سوال. امیر صاحب مؤذن صاحب آ رہے ہیں, مؤذن صاحب نکی دعوت ہے اپنی, کیا ہے بولو؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سالن تو بن گیا لیکن روٹی کا کچھ کرے, یا کہ روٹی بنتی ہے؟ ہاں میرے سب اپنے گھر پہ بنا رہتا ہوں. سوال ہو گیا, بات سمجھ رہے ہو نا؟ زبان کا سوال, دل کا سوال. اسراف جماعت فضول خرچی کرنے سے اپنے آپ کو بچاوے, اور کسی ساتھی کی چیز کو بغیر پوچھے نہ لے, استعمال نہ کرے. اپنا تولیہ خود کا ہو. بعض مرتبہ دوست ہوتا ہے مقام پر, لیکن جماعت نکل کر اگر اس کا تولیہ تم نے استعمال کیا اس کو خراب لگا تو ٹوٹے گا. بلکہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے حدیث لکھی ہے, دل کی خوشی کے بغیر کسی ساتھی کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. اور چار کام میں اپنے آپ کو بہت کم وقت, کھانے میں, پینے میں, استنجا میں, اور ضرورت کی باتوں میں اپنا وقت کم رکھے.
अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में इससे अपने आप को बचावे, बचेंगे भाई। और वहां जाने के बाद अजान में दखल अंदाजी न करें, चलो आज तो मैं अजान करूं, जब तक मौजी साहब न कहे तब तक अजान न करें, पूरा गांव तुमको कहे। अगर मौजी साहब ने कहा भाई आप अजान करो माशाल्लाह, और अमीर साहब कहे तो करें। मरा कितनी मतलब ऐसा हुआ, जमात के साथ ने अच्छी अजान की तो मौजी साहब को वहां से निकलना पड़ा, और ये जमात मौजी साहब के निकलने का जरिया बनी। अभी तुम तो अजान करते नहीं, देखो जमात वाले कैसी अजान करते हैं, उनको निकलना पड़ा। अगर उलमा गए तो इमामत में दखल अंदाजी ना करें जब तक इमाम साहब खुद न कहे। मस्जिद की लाइट फिटिंग में हम दखल, इंतजामी मस्जिद के कामों में, ये टॉयलेट यहाँ होता ना वैसे होता है, तो टॉयलेट बनाने यहाँ है, तो अपनी जात को ईमान, अपनी जिंदगी में ईमान को दाखिल करने आया है। तो हम किसी भी चीज में और वहां जाकर जमात के अंदर हम हालात हाजिरा की पॉलिटिकल की कोई बात नहीं करेंगे, और वहां के किसी भी अमल में सबको हमारे दावत में शरीक करेंगे, तो इंशाल्लाह। और अल्लाह के रास्ते के निकलने के जमाने में चार बातें खूब करें। हाजी अब्दुल्ला साहब फरमा करते थे जो आदमी चार बातें जमात में निकल कर करेगा उसको आधी तबलीग समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात अमीर साहब की इताअत, बात खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप थक गए। वल्लाह साहब फरमा करते थे दीन में मेहनत करो हड्डियों को पिघलाने वाली, और रातों को दुआ करो दिलों को तड़पाने वाली। बदन में दर्द होते ही फिर दुआएं कबूल होती, फिर नमाज पढ़ने में लज्जत आती है। इसलिए जमात में अमीर की इताअत करे, अमीर साहब के मनशे को समझे, गीबत न करे किसी की जमात में निकलकर। इताअत में हिदायत है, इताअत खूब करे, बल्कि टॉयलेट जाना हो पेशाब करने जाना हो तब भी इताअत करे। वक्त ज्यादा हो चुका, मैंने आपको बताता अमीर की नाफरमानी में क्या नुकसान है और जमात पर क्या वबाल आते हैं। हमारा सारा मजमा अमीर, हमारा कोई भी वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर मशवरे उसको जिम्मेदार बना दिया गया हमारा, हम उसकी इताअत करेंगे। जो खाना मिले वो खाना खा लेंगे, जो खाना मिले वो अल्लाह के रास्ते के सूखे टुकड़े घर के मुर्गे मुसल्लम से बेहतर है, और अल्लाह के रास्ते के खानों में शिफा है। खाना पकाने वाली औरतें नहीं होती, हमारे साथी हैं। कभी नमक ज्यादा आ गया, कभी मिर्च ज्यादा हुआ, प्लेटों को न उछाले, सबर करें। ये सीखना है जमात पे निकल कर। आप जब जमात में जाओगे तब जाकर बीवी याद आएगी कि मैंने अपनी बीवी को कितना सताया है, मैंने अपनी माँ को कितना कलीद है, मेरे अपनी माँ का दुख आया है। नौजवान बच्चे वहां तालीम के हलकों में हिचके लगा लगा के रोते हैं, कितनी माँ मेरे खाने में, अम्मी ये खाना अच्छा नहीं लगता, अम्मी ने कितने नखरे बर्दाश्त किए हैं और हमारी बीवी ने कितने नखरे बर्दाश्त किए हैं। जो खाना मिले वो खा ले, जहां का रुख हो हमारी जमात वहां चली जावे, रुख न मांगे। जहां का रुख मिले वहां जाकर भी रुख न मांगे, बल्कि वहां के मशवरे से हमारी जमात का जहां का रुख बने, देहातों का बने, शहर का बने, हम वहां चले जावे और वहां जाकर मशवरे से काम करें। नफ्सियात का दखल न हो, बल्कि हम तो इताअत के साथ चले। और अल्लाह के सामने मेरे भाइयों रोने की आदत डालें, दावत और दुआ का जोड़ है। हमारी दावत कबूल इसी वक्त होगी कि जब हमारी दुआ होगी, अल्लाह ताला दावत की मेहनत से दुआ की कबूलियत देगा। और हमारा वजवा साथी मोहब्बत में आपस में मोहब्बत से रहे, गीबत न करे, जोड़िया रहो, खाने की जोड़िया, चाय पीने की जोड़िया, सोने की जोड़िया। पल तो हम तो हरेक के थाल में खाना खाएंगे, हरेक के थाल में खाना खाएंगे, हरेक के पास सोएंगे। जमात में जोड़िया बन जाती है तो जमात में तफरका पैदा हो जाता है, चाहे जमात कितना भी काम कर ले, कितना भी काम कर ले। हर महिला सफर में करते थे जब जमात में तोड़ पैदा हो जाता है, और वो जमात की नमाजें और उनका जिक्र और उनके कुरान की तिलावत अल्लाह के अर्श तक पहुंच जावे, तब भी अल्लाह की मदद जमीनों पर नहीं आएगी। जमात में मोहब्बत के साथ सबर के साथ वक्त गुजारे, होता है चार मिनट में कुछ ना कुछ हो जाता है, सबर से वक्त गुजारे। अच्छे अखलाक आदमी हो गए कि किसी को तकलीफ न दे, और उससे भी बड़े अच्छे अखलाक वाला आदमी होगा किसी ने तकलीफ दी उसका सबर करे, इंतकाम न हो हमारा, बदला न हो। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे भाई। अल्लाह ताला हम तमाम इन बातों पर अल्लाह पाक अमल करने की बोलो तौफीक अता फरमावे। और हमारा वक्त मेरे भाई, हमारे साथी बिल्कुल फोन लेकर न जावे। मोहल्ला साहब फरमा दे जमात अल्लाह के रास्ते में निकलती है, सब कुछ छोड़ के जाती है, तीन चीजें हमारे साथ आएगी। ये तो शैतान हमारे साथ जमात फ्री टिकट में आएगा, फ्री टिकट में। हमारा दुश्मन है शैतान से अपने आप को बचाना है। नंबर दो हमारा नफ्स आएगा, नफ्स शैतान से खतरनाक है। तो हजरत जी शैतान को किसने गुमराह किया? शैतान तो हमको गुमराह करता है कि शैतान को किसने गुमराह किया, कि शैतान को उसके नफ्स ने गुमराह किया। और तीसरा बुरी आदत है जो हमारी मकाम पर है, फजर के बाद सो जाना, रातों को देर तक जागना, व्हाट्सएप पर खेलना, फेसबुक पर खेलना, गेम खेलना,
इन बातों से अपने आप को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के वास्ते बचावे। हमारी जमात अगर वक्त को सही गुजारना चाहती है, आप बड़ी कुर्बानी के साथ जमातों में जा रहे हैं, नामालूम कौन कौन किन हालतों में अल्लाह के रास्ते में जा रहे, तो अल्लाह ही को पता है। साथ ही अपने फोन को घर पर जमा करके जमात में जा रहे। कितनी जमातें बगैर फोनों के सालों में चल रही है, चार चार महीनों में चल रही है। अल्लाह से ताल्लुक कायम करना होगा तो मखलूक से ताल्लुक को तोड़ना होगा। ये कौन फोन छोड़ के जाएगा जमात में, बोलो बुरा मजमा माशाल्लाह, तो सब फोन मुझे जमा करा दो ना। हाँ सब कहते हो फोन छोड़ के जाओगे, अल्लाह कबूल फरमावे। माशाल्लाह बहुत अच्छा मजमा, आपसे अच्छा गुमान है, क्योंकि मजमा बहुत थका हुआ है, बहुत देर से बल्ला की दीन की बात सुन रहा है। बिल्कुल फोन लेकर हमारी जमात न जावे, व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा ना हो। फोन होगा तो व्हाट्सएप भी होगा, सब कुछ भी होगा। गांव में क्या होता है, ईशा के बाद बैठ गए, अमीर साहब कुछ सुना कि छारूड़ी की मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? कि वो अब्दुलजीज चाचा की, अब्दुल चाचा की, ये तो मेरे दादा हुए, क्योंकि मेरे परदादा हुए। अभी जमात हमारी चलती है सोलापुर में, छारूड़ी का साथी है, उसने यूं कहा उसके दादे के भाई का इंतकाल हो गया। किसी ने उसको फोन से कह दिया तो वहां कूद के लगा रहे ऊपर से नीचे, मेरे दादा का कौन सी जमात का उसूल है कि नीचे का लगा तो छुट्टी नहीं मिले। यहाँ फोन किया तो यहाँ तो कोई रोता भी नहीं था, या तो कोई रोता भी नहीं था, या तो सब लोग अपने दंतों में लेकर वहां वो कूद रहा है। शैतान उसको समझा रहा है। इसे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो, मुकद्दर की मौत हर एक की आने वाली है। हम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं और बड़ी कुर्बानी से, कौन बेचारा कर्जा लेकर जमात में जा रहा होगा, घरों पर आपकी क्या पोजीशन होगी, अल्लाह ही को मालूम है। अल्लाह ताला आपको कभी जाये नहीं करेगा, अल्लाह आपको बड़ा बेहतरीन बदला देगा। तो सब सारी जाएंगे इंशाल्लाह, हमें अल्लाह ताला हमारे निकलने को कबूल करवाए। ये जो हमारे जो सरखेज की जमातें, हमारी जुहापुरा की जमातें हैं, मगरिब की नमाज के बाद अल-फजर के अंदर भी उनकी रवानगी की बात है, फजर के बाद की भी रवानगी की बात है, हमारे साथी वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। जितनी हिदायत की बात इंशाल्लाह हम सुनते रहेंगे, हमारे सामने बातें आते रहेगी, हमारा दिल बढ़ेगा और हमारा वक्त सही गुजरेगा। बाकी जो हमारी जमातें विरमगाम की, जो हमारी जमातें हैं और नंदासन की जमातें हैं, अपने जिम्मेदारों के मशवरे से वो जमात अपने रुखों पर चली जावे और उनके सामने वहाँ भी मजलिसें होगी इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अल्लाह ताला हम तमाम की बातों पर अपने आंखों तो सही है। अल्लाह तबारक वतआला हम तमाम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। سبحان ربي الحمد لله سبحان الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك